मफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेता कृष्णाति परम किमपिता त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी व्रसभानुसुतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब द्वार निकुल छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। ओ वृषभानु की लाडली देख मेरी ओर निहार। बोले श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले यमुना मैया की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Govind Radhe 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 Radh
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम सभी बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ सष्टम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा रस ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। विगत 5 दिन से हम भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही भाव के साथ हम सभी ने कल की कथाओं को श्रवण किया था। कल हम सभी ने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान की सुंदर सुंदर जो बाल लीलाएं हैं, माखन चोरी लीला, तदुपरांत किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को समझाया, गायों की महिमा बताई कि उनके जीवन में गायों का क्या महत्व है, और अंतिम भाव में हम सभी ने श्रवण किया था भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि और 7 वर्ष के ही कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यहां तक कि सुंदर सुंदर कथाओं को हम सभी ने कल श्रवण किया था, और जहां कल कथा क्रम को छोड़ा गया था वहीं से इस क्रम को हम आरंभ करते हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी ही मधुर हैं, और वैसे भी व्यक्ति संसार की बातें करे तो हम थोड़ी बहुत देर उसको सुन सकते हैं, ज्यादा नहीं सुन सकते। कोई ज्यादा अपने बारे में बताए, मैं ये हूं मैं वो हूं, थोड़ी देर तो हमको ठीक लगेगा, लेकिन फिर लगेगा पता नहीं ये क्या, क्योंकि ये तो हम सब की कथाएं हैं, सबका जीवन एक जैसा ही है, लेकिन भगवान की कथा ऐसी होती है कि भगवान की कथा में ऐसा मन लगता है कि कहीं भी कथा हो, और कथाएं आए दिन कहीं ना कहीं होती ही हैं, लेकिन कभी कथाओं से हमारा मन भरता नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा तो ऐसी है कितना भी सुनो, कितना भी इसका पान करो, लेकिन हमारा मन भरता ही नहीं, और चाहिए और चाहिए। और व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है अगर हम संसार की दृष्टि से देखें, संसार की दृष्टि से तो हमको ऐसा लगता है कि धन कमाना थोड़ा मुश्किल है। अगर धन मिल गया तो लगता है कि अच्छा परिवार मिलना थोड़ा मुश्किल है। धन का कोई अभाव नहीं है, लेकिन परिवार थोड़ा अच्छा मिल जाए, अच्छा परिवार भी मिल जाए तो लगता है कि आज्ञाकारी संतान मिलना मुश्किल है। और अगर आज्ञाकारी संतान भी मिल जाए तो व्यक्ति को लगता है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा कमाना थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन अगर वो भी मिल जाए, क्योंकि ये तो हमारी रही सामाजिक दृष्टि, हमारा मंतव्य तो यहीं तक जाता है, हमको ये मिल जाए ये मिलना मुश्किल है, वो मिलना मुश्किल है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कुछ अलग कहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब तो हमको मिल जाएगा, व्यक्ति मेहनत करेगा तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दो चीज ऐसी हैं जो केवल और केवल तभी मिलती हैं जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हुगर होए। ये सब तो एक जो पापी व्यक्ति होगा, जिसने कभी भजन नहीं किया होगा, उसको भी ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन संत समागम, संतों का संघ और हरि कथा, ये चीज तभी मिलती है जब हमारे बिहारी जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि आरंभ में जब कथा आरंभ हुई थी, उसी दिन मैंने आपसे ये बात कही थी कि व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, खूब बढ़िया बढ़िया तैयारी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब तक उसमें भगवान की कृपा निहित नहीं होती, तब तक वो कार्य हमारा हो नहीं सकता। और कल भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, जब गोवर्धन पर्वत को मेरे प्रभु ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, तो वहां पर जितने ब्रजवासी थे सब अपने अपने डंडा लठिया ले लेकर खड़े हुए थे। तभी भगवान का एक प्यारा सा भक्त वो कहने लगा, लाला एक काम कर, देख 3-4 दिन है गए ऐसे ही खड़े खड़े, तू एक काम कर, तू ना थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले, अगर मैंने विश्राम किया तो ये गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा। अब बालक बोले, अच्छा तो सबरो पर्वत को बाहर तेने ही उठाए रखो है, हमने उधर उतने बढ़िया बड़े बड़े डंडा लगाए रखे हैं, जितने ग्वाल वाल थे सब यही बात कहने लगे। अब भगवान ने कहा कि देखो तुम पर परेशानी आ जाएगी, लेकिन वो बालक बोला, नहीं नहीं लाला, तू अब थोड़ा विश्राम कर ले, देख तू 3 दिन से लगातार खड़ा हुआ है। भगवान बोले, ठीक है कर लेता हूँ। और जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली को थोड़ा सा ही नीचे किया, कि गोवर्धन पर्वत पूरा बहराने ही वाला था, सब सारे, अरे लाला संभाल संभाल, ये क्या होने वाला है, ये तो गिरने ही वाला है। सारे ग्वाल वाल समझ रहे थे कि हमारे डंडाओं पर ये टिका हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, और तदुपरांत आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, तुमको मालूम है कि वहां पर जब वर्षा हो रही थी, तो वहां पर इतनी ज्यादा वर्षा हो रही थी, इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि जितना बड़ी एक हाथी की सूंड होती है, उतनी बड़ी बड़ी ऊपर से बूंदें टपक रही थी, उतनी ज्यादा बारिश। लेकिन फिर भी ब्रज में किसी को ऐसा अनुभूति हो ही नहीं रही थी, क्योंकि सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हुए थे, कन्हैया के नजदीक खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, वो जो वर्षा का जल था, इतनी बारिश हुई तो वो जल गया कहां?
कहा कि शेष भगवान उसको रोककर बैठे हुए थे। भगवान का सुदर्शन चक्र उसको सुखाने का प्रयास कर रहा था और श्री अगस्त ऋषि उसका पान करते जा रहे थे। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मैया जानकी ने कहा, प्रभु देखो जब से हम अयोध्या में वापस आए हैं तब से कोई ऐसे संत नहीं मिले हैं जिनको हम भाव से भोजन करा पाए, क्योंकि जो भी संत मिलते हैं थोड़ा सा ग्रहण करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा भाव होता है कि हम कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएं और कोई ऐसे महात्मा जी आए जो हम बनाएं उसको भाव से ग्रहण करें। भगवान बोले, चिंता मत करो देवी, कोई ना कोई संत आ ही जाएंगे और तभी उनके यहाँ अगस्त ऋषि पधारे। अगस्त ऋषि पधारे तो भगवान ने मन ही मन अगस्त ऋषि से कहा, ऋषि आप हमारे यहाँ आ तो गए हो, आज का भोजन हमारे घर ही ग्रहण कर लेना। अगस्त ऋषि बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैया से कहा, जानकी जी अगस्त ऋषि आए हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाना, आज वो ग्रहण करेंगे। मैया ने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और बड़ा सा एक थाल लिया। उस थाल में मैया ने 50 कटोरी रख दी और जो सामग्री बनाई थी सब कटोरियों में डाल दी। बीच में मैया ने पूरी रख दी और बढ़िया सा थाल लगाकर अपने रसोई घर के बगल में ही उनका आसन लगा दिया और उनको जाकर वो थाल परोस दिया। अगस्त ऋषि देख देख कर हंसने लगे। अब मैया ने पूछा, प्रभु क्या कोई भूल हो गई, क्या कोई गलती हो गई, ऐसे हंस क्यों रहे हो, मैं तो बस भोजन परोस के लाई हूं। अगस्त ऋषि बोले, देवी इतने से भोजन से हमारा क्या होगा। कहने लगे, तुम जो भोजन लाई हो इसका हम क्या करें, अपनी नाक में डालें कि आंख में डालें कि कान में डालें। मैया समझ गई, भैया आज तो बड़े बढ़िया संत हमारे घर पे पधारे हैं, ये तो बहुत बढ़िया संत है। मैया अगस्त ऋषि ने कहा, जल्दी से बढ़िया सा बड़ा सा पात्र लाओ। मैया दौड़ी दौड़ी गई और बड़ा सा पात्र लेकर आई। जितना सारा वहां पर कटोरियां थी, सारा कटोरियों का सामान उन्होंने एक ही पात्र में रख लिया। अब तो ऐसा भोजन आरंभ हुआ कि अगस्त ऋषि ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना जाने कितने बरसों के भूखे। मैया दौड़ी दौड़ी लाती है, फिर परोसती है, फिर जाती है, फिर लाती है, फिर जाती है, फिर लाती है और अखंड भोजन चल रहा है। मैया को प्रसन्नता बहुत हो रही है, भगवान आपने बड़ी कृपा की, इतने बढ़िया संत पधारे। भोजन करते करते 5 दिन निकल गए, अखंड भोजन चल रहा है। अब तो मैया थोड़ी सी परेशान होने लगी। तभी मैया ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी अपनी धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों के साथ पधारे। गणेश जी से कहा, हमारी थोड़ी सी सहायता करो, ब्राह्मण देवता अखंड भोजन कर रहे हैं, इनका भोजन बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा, भाव से भगवान और अगस्त ऋषि मन ही मन वार्तालाप करते जा रहे हैं। भगवान कह रहे तो अपनी पूरी लीला दिखाओ। और तभी भोजन करते 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 10 दिन का समय व्यतीत हो गया। अब तो मैया बड़ी परेशान हो गई, बेचारी इतनी थक गई, जल्दी जल्दी जाती है रसोई घर में और लेकर आती है, तब तक देखती है कि भोजन समाप्ति होने वाला है और फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। मैया के पैरों में भी दर्द होने लगा, क्या करूं क्या करूं। भोजन का जब 17वां दिन था तो जाकर अगस्त ऋषि से जाकर उनको प्रणाम किया, प्रणाम ऋषिवर। अगस्त ऋषि बोले, देवी सुनो, बीच में भोजन के बीच में हम वार्तालाप नहीं करते,
चिर सौभाग्यवती भव, लेकिन अभी हम बात करने का समय नहीं, आप भोजन लेकर आओ। मैया बोली, प्रभु मैं तो इसलिए आई हूँ कि आपका आधा भोजन हो गया हो तो आपके लिए जल लेकर आऊं। अगस्त ऋषि बोले, देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम आपसे जल स्वयं ही मांग लेंगे। अब तो मैया सोचने लगी, हे भगवान, अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ, पूरे 17 दिन निकल गए। और तभी मैया मनी मन राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस बार तो आपने बहुत अच्छे फंसाए, हमने कहा था बढ़िया संत ला दो, इतने बढ़िया संत ला दो ये नहीं कहा था, पूरे 17 दिन निकल गए। जैसे ही 18वां दिन आया, मैया राघवेंद्र सरकार के पास पहुंची, उनसे जाकर कहने लगी, प्रभु आपने तो हमारी श्रद्धा की टांग ही तोड़ डाली, हमने तो भाव से भोजन कराने के लिए कहा था कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे, वो ग्रहण करेंगे, 18वां दिन आ गया, अब आप कुछ कृपा करो। तब अगस्त ऋषि से भगवान राम ने इशारा कर दिया, अगस्त ऋषि समझ गए तो कहने लगे, देवी हमको डकार आ गई, आप हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। अब मैया बड़े भाव से दौड़ी दौड़ी गई, अभी जल लेकर आती हूँ। राघवेंद्र सरकार बोले, देवी एक बात बताओ, जो 18 दिन से भोजन कर रहे थे, क्या वो तुम्हारे एक आध दो पात्र में जो जल रखा है उससे उनका काम हो जाएगा? तब आज राघवेंद्र सरकार ने उनसे कहा कि देखो, मैंने आपको एक युग में भोजन कराया, त्रेता युग में भोजन कराया, और द्वापर युग में जब इंद्र अपना कोप बरसाएगा, जल बरसाएगा, तो उसको आकर आप ही ग्रहण करना, और आज उस जल को जाकर अगस्त ऋषि ने पान किया है। आगे कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, और ये हम सब की भी जिज्ञासा होती है कि भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं। तो कहा कि देखो, एक दिन में कितने पहर होते हैं, कितने होते हैं, 8, 4 दिन में और 4 रात में। मैया, ऐसा कहा जाता है, हर पहर के बाद अपने लाला को कुछ ना कुछ ग्रहण कराती थी, तो अब तो 7 दिन 7 रात्रि वहां एक ही स्थान पर खड़े रहे, तो ना तो कोई जा पाया ना तो कोई आ पाया, और इसीलिए आज मैया ने भगवान के लिए पूरे 7 दिन × 8 कितने हो गए, 56, और इसीलिए भगवान को मैया ने एक साथ 56 भोग लगाए। बोली कृष्ण के नहीं लाल की जय हो। और आगे भगवान अपनी और लीलाओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक मैं कुछ भी स्वीकार करने वाला हूं नहीं। अगर व्यक्ति भाव से भगवान को कुछ भी ग्रहण कराएगा तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, और भाव से ग्रहण नहीं कराएगा तो आप 56 भोग भी लगा देना, भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप भले ही एक कुछ नहीं है घर में, तो एक तुलसी दल ही भगवान को ग्रहण करा दो, भगवान उसको ही भाव से स्वीकार करते हैं। भगवान के एक भक्त हुए जिन्होंने बड़े भाव से भगवान को भोग लगाया। चौखा मेला, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। एक बार इनके मन में भाव आया, ये रोज भगवान की सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि भगवान भी इनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे।
इनका नियम था कि कुछ न कुछ रोज भगवान के लिए लेकर आते थे और उसको आकर भगवान को ग्रहण कराते थे। एक दिन क्या हुआ, वैसे इनका कार्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाते थे। ये जो घर बनाया जाता है उसमें जो मिस्त्री वाला काम होता है, ईंटें लगाया करते थे ये घर में, और वहां से जो कुछ मिल जाता था उसी को लेकर आते थे। एक दिन इनकी पत्नी ने कहा कि बाजार से आप कुछ सब्जी लेकर आओ। चोखा मेला जी घर से बाहर निकले, रास्ते में इन्होंने देखा कि बढ़िया बढ़िया केले मिल रहे हैं, तो इनके मन में भाव आया कि क्यों ना आज भगवान के लिए मैं केला ले लूं। और इन्होंने पुंडरीनाथ जी के लिए, विट्ठल भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया केले खरीदे। घर लेकर आए, पत्नी से कहा कि आज तो मन में भाव हो रहा है कि हम इनको भगवान के मंदिर में जाकर इनका भोग लगाकर आए। उन केलों को लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे, मंदिर के बाहर बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो किसी से कुछ कह तो नहीं पाए। बार बार पर जो पंडित पुजारी थे उनसे कहते कि ये हमारे ये केले का भोग आप अंदर लगा दो, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अब नहीं सुनी तो वो सीधे चले गए और उन्होंने जाकर उन केलों का भोग लगाया। और जैसे ही इस दृश्य को वहां पर जो बड़े बड़े पंडित पुजारी थे उन्होंने देखा, इतना क्रोध आया कि उन्होंने वो केले भी उठाकर फेंक दिए और चौका मेला की इतनी पिटाई लगाई। कहने लगे, अरे तुम्हारी सामर्थ कैसे हुई मंदिर के अंदर घुसने की। इनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। इन्होंने पुजारियों से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान से मन ही मन कहने लगे, अगर आपको मेरे केले नहीं खाने थे तो आप मुझसे कह देते, ये इस प्रकार आपने मुझे अपमानित क्यों कराया। इतना परेशान हो गए। चौका मेला जी अपने घर आए और घर आने के बाद आज उनकी पत्नी ने देखा कि जिस भाव से गए थे घर लौटकर आए, सारे वस्त्र फटे हुए हैं, चोटों के निशान लगे हुए हैं। पत्नी समझ गई, उसने उनकी घावों की खूब सिकाई की, दवाई लगाई, और लगाने के बाद उसने कहा, प्रभु मैं तो आपको बहुत समझाती हूं लेकिन आप कभी मेरी समझते नहीं हो। रात्रि हो गई और आज उनको नींद नहीं आ रही। और तभी क्या हुआ कि आज वैसे उनके घर पर कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, चौका मेला जी समझने लगे कौन आया होगा इतनी रात्रि को। दरवाजे से आवाज आ रही है, अरे भैया दरवाजा खोल दो, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। जैसे ही विट्ठल भगवान के उस स्वर को उन्होंने सुना, सुनते ही दरवाजा खोला, क्योंकि जो स्वर था वो इतना मधुर था कि सुनते ही जितनी चोटें उनको लगी हुई थी ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। दरवाजा खोला और दरवाजे पर आज जैसे ही उन्होंने भगवान को पाया, भगवान से कहने लगे, यहां से लौट जाओ,
भगवान कहने लगे, अरे तुमको मालूम है जो प्रसादी मैं मंदिर में ग्रहण नहीं कर पाया था, मैं उसी प्रसादी को ग्रहण करने के लिए आया हूं। चौक अमेला जी कहने लगे, आप ग्रहण नहीं करते तो मंदिर में ग्रहण कर लेते, सबके सामने तो आपने मुझे इतना बेइज्जत कराया, इतना अपमानित कराया, और आपको मालूम है मुझे कितनी चोटें आई हैं। भगवान ने कहा, मुझे सब मालूम है और इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। चौक अमेला ने पूछा कि आप एक बात बताओ कि आपने ये मंदिर में ग्रहण क्यों नहीं किए। भगवान ने कहा, थोड़ा अंदर तो लेकर आओ, मुझे अंदर तो ले चलो। घर में बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं तो नहीं थी, जैसा आसन पड़ा था टूटा फूटा उन्होंने वही डाल दिया। भगवान बोले, देखो मुझे ना इस आसन पर नहीं बैठना, मुझे तो आपकी गोद में बैठना है। भगवान उनकी गोद में बैठ गए। कहा, भाव से मुझे ना वो केला खिलाओ जो केला आप मेरे लिए लाए थे। भगवान को बड़े भाव से उन केलों को खिलाते जा रहे हैं। चौका मेला जी ने पूछा, एक बात बताओ कि आपने मंदिर में भोग क्यों नहीं ग्रहण किया था। भगवान कहने लगे, देखो मंदिर में जो पुजारी है वो मुझे मूर्ति समझते हैं, केवल तुम जानते हो मेरे इस स्वरूप को, जो पंडे पुजारी है वो नहीं जानते, और मैं उनके सामने आ भी कैसे सकता था, क्योंकि कोई ये कहे कि हमको भगवान दिखा दो तो भगवान दिखाने की वस्तु नहीं है, भगवान तो महसूस करने की, हम दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। चौका मेला के नेत्र से अश्रु की धार बहने लगी। अब तो भगवान बोले कि एक काम करो, देखो मंदिर में ना रुक्मिणी जी भी हमारा इंतजार कर रही हैं, तो दो केले हमको उनके लिए भी दे दो। दो केले रुक्मिणी मैया के लिए लेकर आए, और वैसे तो रोज क्या होता था कि पुजारी जी महाराज बाहर से गेट बंद करते थे, लेकिन आज क्या हुआ, आज भगवान ने अंदर से गेट बंद कर दिया, और जो दो केले लेकर गए थे उनके छिलके वही जो मंदिर का आंगन था उस आंगन में फेंक दिए। अब जैसे ही आरती का समय हुआ, मंगला आरती का, तो वहां पर पुजारी जी महाराज आए, ताला खोला, अब ताला खुलता नहीं, बार बार गेट को खूब, तो भगवान ने कहा, सुनो आज ये ताला खुलने वाला नहीं है, तुमको मेरे भक्त को लेकर आना पड़ेगा और तब ही जाकर ये ताला खुलेगा। खूब अनुनय विनय हुआ लेकिन वह ताला खुला नहीं, और जिन पंडे पुजारियों ने उनको इतना अपमानित किया था, इतना उनको परेशान किया था, आज भगवान ने कहा कि पालकी लेकर जाओ और मेरे भक्त को पालकी में बिठा कर लाओ। भगवान हट पकड़ गए। जो पुजारी उनसे ईर्ष्या करते थे, जो छुआछूत करते थे, आप अंदर नहीं जा सकते, आज स्वयं उनको उनके दरवाजे पर जाना पड़ा और पालकी में बिठाकर चौका मेला को लाना पड़ा। भगवान ने कहा, अब मेरा भक्त आ गया तो अब मैं दरवाजा खोल दूंगा, और इतना अनुनय विनय आज चौका मेला ने किया, प्रभु दरवाजा खोल दो, क्यों अपने भक्तों को परेशान करते हो। भगवान ने कहा, अरे मैं अपने भक्तों को कहाँ परेशान करता हूँ, जब मेरे भक्त को कोई और परेशान करता है ना, तो मुझसे ये नहीं देखा जाता। और भगवान का तो यही भाव रहता है
कि जब भी उनके भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कोई कष्ट और परेशानी देख नहीं सकते। इसलिए जो भगवान को मूर्ति मानता है उसके लिए भगवान मूर्ति बने रहते हैं। जो भगवान को सच्चा मानता है कि मेरे जो हैं मेरे बिहारी जी महाराज हैं, तो भगवान उसको उसी भाव से उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय हो। और ये बात मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि भगवान केवल और केवल प्रेम के वश में ही हो सकते हैं। अन्यथा कोई कितना बढ़िया बढ़िया भी भोजन कराए, कोई कितना बढ़िया बढ़िया भी ग्रहण कराए, लेकिन जब तक भगवान से उसका भाव नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और वैसे भी आगे जो कथा हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं वो कथा है भगवान की गोपियों की। और गोपियों को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है। भगवान का जो रास पंचा अध्यायी है उसकी कथा को हम सभी श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, भगवान ने जो रास लीला अपनी गोपियों के साथ की वो लीला तब की जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। गो कहते हैं इंद्रियों को और वर्धन कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय कृष्ण रस पिबंत इति गोपी, जो हर रस से भगवान की ही भक्ति करे। अगर मुख से निकले तो केवल और केवल भगवान का नाम, अन्यत्र और कोई वस्तु ग्रहण करने का कुछ भी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कुछ भी ग्रहण करने का मन होता है, भाव होता है, तो पहले वो वस्तु भगवान को अर्पण करो। जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसको पहले भगवान को अर्पण करो, और जब भगवान को अर्पण करोगे तब आप उसे स्वीकार करोगे तो वो वस्तु आपके लिए प्रसाद तुल्य बन जाती है। और वैसे भी जो रास का प्रसंग है वो थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का भाव, जब तक व्यक्ति का मन, जब तक व्यक्ति की इंद्रियां भगवान से नहीं जुड़ती तब तक हम इसको श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो पाते। और हम सभी जानते हैं कि ये जो गोपियां हैं वो कोई स्त्री नहीं है। कोई व्यक्ति ये भाव रखे मन में कि गोपी स्त्री है तो गोपी स्त्री नहीं है। बहुत बड़े बड़े महात्मा जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे थे तो दंडकारण्य वन में बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने
भगवान राम के सुंदर स्वरूप को देखा। देखने के बाद भगवान का जो स्वरूप है वो इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि वो उस स्वरूप पर मोहित हो गए और मन में भाव आया कि क्या कभी हमको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजा बलि के यहाँ जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, जब बामन भगवान को देखा था तो मन में भाव आया था कि क्या कभी हमको इनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा। और तो और कहा जाता है कि हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में तीन तीन कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, वो मंत्र आज यहाँ पर गोपी बनकर आए हैं। और गोपियों के भी अलग अलग प्रकार हैं, श्रुति रूपा, मन रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, बहुत बहुत ज्यादा गोपियों के वहां पर रूप हैं, गोपियों के प्रकार हैं। लेकिन आज जैसे ही कन्हैया ने वेणु का निनाद किया, भगवान ने ऐसी वेणु बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि, उस वेणु के निनाद को जिसने भी सुना, जिस गोपी के कान में वो निनाद गया, उस गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। और वैसे भी नंदगांव के पास में एक कदम टेर है, एक कदम का पेड़ है, और भगवान को जब और दूर से गोपियों को बुलाना होता था ना, तो उस पेड़ पर चढ़ जाते थे। और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद फिर भगवान जो वेणु का निनाद करते थे, ब्रज 84 कोस में जितनी गोपियां थी, आज सारी गोपियां जो जो इस स्वर को सुन रही है, सारी गोपियां अपने गृह त्याग को करके भगवान से मिलने की लालसा लेकर आ रही हैं। एक गोपी तो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने स्वर को सुना, उससे रहा नहीं गया और उसने बालक को वहीं पटका और सीधे भगवान से मिलने की कामना से वह चलने लगी। कहा जाता है एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, और जैसे ही उसने इस शब्द को सुना, इस वेणु के निनाद को सुना, उस गोपी से रहा नहीं गया। गोपियां अपना सब कुछ त्याग करके आ रही हैं। एक गोपी से उसके पति ने कहा, कहां जाती है? उस गोपी ने कहा, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा, कन्हैया वेणु का निनाद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूं। उस गोपी के पति ने उससे मना कर दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने कहा, आप मेरे शरीर को ही तो रोक सकते हो, लेकिन आप मेरे आत्मा को नहीं रोक सकते, आप मेरे मन को नहीं रोक सकते। और इस प्रकार बड़े भाव से ब्रज 84 कोस से जितनी भी गोपियां हैं, सारी गोपियां चली आ रही हैं। भगवान ने जैसे ही गोपियों को आते हुए देखा, भगवान ने उनका बहुत स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, ब्रजश्यानामनम कच्छत दूतागमनम कारणम। हे गोपियों,
आप एक बात बताओ कि आप सब यहां आई क्यों हो। भूतागमनम कारणम स्वागतम वो महाभागा। पहले तो भगवान ने उनका स्वागत किया, स्वागत सत्कार करने के बाद अगले क्षण भगवान ने पूछा, भूतागमनम कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई हो अपना सब कुछ छोड़कर। तभी भगवान कहने लगे, अच्छा इस शरद पूर्णिमा की इतनी सुंदर रात्रि को देखने के लिए आई हो, चंद्रमा के इस प्रकाश को यहां देखने के लिए आई हो। गोपियां अपना अपना मुख नीचे करके खड़ी हुई हैं, मानो ये सोच रही हैं कि पहले तो भगवान ने हमको बुला लिया और बुलाने के बाद अब हमसे पूछ रहे हैं, भूतागमनम कारणम, तुम्हारे आने का क्या कारण है। गोपियां अपना मुख नीचे करके खड़ी हुई हैं। फिर भगवान कहने लगे, अरे तुमको मालूम है इतनी घोर रूपा रात्रि है और इतना निर्जन वन है, यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, तुमको ऐसे अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और वैसे भी एक पतिव्रता स्त्री को इस समय घर से निकलने का कोई अधिकार नहीं है। पतिव्रता स्त्रियों को तो भगवान, अपने पति को ही भगवान तुल्य मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और गोपी सोच रही है कि जिनके लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं वो हमसे ऐसी बातें कर रही है। गोपी क्या करें, इतनी ज्यादा भावुक हो गई, इतनी परेशान हो गई, अब हम क्या करें। भगवान कहने लगे, अरे तुमको मालूम है कि पतिव्रता स्त्री में कितना सामर्थ्य होता है। गोपी कहने लगी, प्रभु वो तो सब हम जानते हैं, लेकिन अब सब कुछ आपके लिए त्याग करके आए हैं, आप हमको मत त्यागो। भगवान कहने लगे, तुमको मालूम है पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं। और भगवान उन गोपियों को पतिव्रता धर्म का मार्ग बताने लगे, कहने लगे, तुमको मालूम है एक पतिव्रता स्त्री के अंदर बहुत सामर्थ्य होती है और एक पतिव्रता स्त्री की कथा उन गोपियों को श्रवण कराने लगे। और पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, एक दिन क्या हुआ कि उसके पति जैसे ही बाहर से आए बहुत थक चुके थे, जल का पात्र उसने ला कर दिया, उन्होंने जल ग्रहण किया और जल ग्रहण करते ही इतनी ज्यादा थकान थी उनको कि अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रखकर सो गए। उस स्त्री का एक बालक भी था जिसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष रही। वह बालक भी उस समय सो रहा था। अब पतिदेव उसकी गोदी में सर रखकर सो रहे हैं तो वो उनसे ये भी नहीं कह सकती कि मुझे कोई कार्य करना है, आप उठ जाइए, क्योंकि वो विचार कर रही थी, मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान होगा। और इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक से उसने क्या देखा कि उसका जो छोटा सा बालक था वह बालक जाग गया, बालक धीरे धीरे चलने लगा। उसके आंगन में एक अग्नि कुंड जल रहा था, उस अग्नि कुंड में आग प्रज्वलित थी, बड़े बड़े कोयले लाल पड़े हुए थे। तभी उस मां ने देखा उसका बालक धीरे धीरे उस अग्नि कुंड के नजदीक जा रहा है, लेकिन वे उस बालक को रोक नहीं पा रही।
वो सोच रही है मैं कुछ भी कहूंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी और फिर मेरे पति पर धर्म का अपमान होगा। मैं क्या करूं, मेरा बालक कहीं अग्नि कुंड में ना गिर जाए। और उस माँ के नेत्रों के सामने ही देखते देखते वह बालक उस अग्नि कुंड में गिर गया। उस माँ के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। वो विचार करने लगी कि अब तो मेरा बालक अब तक तो जलकर राख हो गया होगा। उसके नेत्रों से अश्रु की धार जैसे ही उसके पति के चेहरे पर पड़ी, उस गोद में सोए हुए पति की निद्रा खुल गई, नींद खुली। वो पतिव्रता स्त्री दौड़ी उस अग्नि कुंड के पास गई और वहां जाकर उसने क्या चमत्कार देखा कि उस अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन उसकी जो दाह शक्ति है वो चंदन के समान शीतल हो गई है। जाकर उसने अपने बालक को गोदी में लिया और गोदी में लेने के बाद भगवान का खूब धन्यवाद किया। भगवान ने ये बात आज गोपियों को बताई। अब गोपियां क्या करें, जो अपना सर्वस्व छोड़कर अपने छोटे छोटे बालकों को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर कन्हैया से मिलने के लिए कन्हैया के साथ रास करने की कामना से आई हैं, अब वो क्या करें। गोपियों के नेत्र से श्री की धार बह रही है। तभी एक गोपी ने कहा, कन्हैया आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपको कुछ बताएं। तो एक गोपी बोली, कन्हैया आपने जो दृष्टांत हमको दिया था वैसा हम पर भी एक आता है, आपकी आज्ञा हो तो हम भी सुना दें। कन्हैया ने कहा, सुनाओ। गोपी कहने लगी कि कन्हैया एक पतिव्रता स्त्री थी और वो पतिव्रता स्त्री इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति को जब तक भोजन ग्रहण नहीं करा देती, जब तक अपने पति की सेवा नहीं कर लेती, तब तक वो स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करती। एक बार क्या हुआ कि एक बार उसके पति ने कहा कि देखो देवी, हमको ना विदेश जाना पड़ेगा, हमको बहुत जरूरी काम है। पतिव्रता उस स्त्री ने कहा कि प्रभु आपको काम है वो तो कोई नहीं, लेकिन हम आपके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको भोजन नहीं करा देती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती, जब तक आपकी सेवा नहीं कर लेती तब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए आप ऐसे नहीं जा सकते। उस पतिव्रता स्त्री को उसके पति ने एक युक्ति बताई। उसने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे ही समान एक मिट्टी की प्रतिमा बनवा लो, एक मूर्ति बनवा लो, और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक ये समझना कि ये तुम्हारे असली पति हैं। अब तो वो पतिव्रता स्त्री, उसके पति तो चले गए विदेश, लेकिन जो मूर्ति उसने बनवाई है उस मूर्ति की इतनी पूजा करती, उस मूर्ति को जब तक ग्रहण नहीं करा देती तब तक स्वयं ग्रहण नहीं करती, जिस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही थी उसी भाव से ये अब उस मूर्ति की सेवा कर रही है। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, अचानक से आज उसके दरवाजे को किसी ने बाहर से बजाया। दरवाजा जोर जोर से बाहर से खटकाया जा रहा है, लेकिन वो अपने जो मूर्ति रूपी पति हैं उनकी पूजा कर रही है। अब मन में भाव आ रहा है कि मैं जाकर दरवाजा खोलती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दरवाजे पर खड़े खड़े उसके पति को एक घंटा हो गया।
लेकिन उस गोपी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी गोपी ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया एक बात बताओ कि उस गोपी को अब दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। कन्हैया ने बोला कि देखो दरवाजे पर जब असली पति खड़ा हुआ है तो फिर नकली पति की सेवा करने का क्या फायदा। गोपी ने कहा प्रभु आपने ही निर्णय कर लिया, जब हमको मालूम चल गया कि आप हमारे असली पति हैं तो फिर हम इन नकली पतियों की सेवा करके क्या करेंगे। और मीराबाई ने कहा भी था ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर वरियो गोपाल को जैसे चुड़ला अमर है जाए। बर वरियो गोपाल को जाते चुड़लो अमर हो जाए। और बड़े भाव से आज गोपियां भगवान से वार्तालाप कर रही हैं। भगवान भी ये देखते हैं कि मेरा भक्त की निष्ठा मेरे चरणों में सच्ची है कि नहीं। भक्त आ तो जाता है, भगवान उसको बुला तो लेते हैं, लेकिन बुलाने के बाद उसकी परीक्षा करते हैं। ये देखते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा कष्ट दूंगा, थोड़ा सा इसको परेशान करूंगा तो फिर ये रुकता है या फिर मुझे छोड़कर चला जाता है। और वैसे भी हम सब अपने अपने जीवन में देखते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास जब प्रसन्नता होती है, धन होता है, वैभव होता है, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते। लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम अपना सब कुछ छोड़कर दौड़े दौड़े भगवान की शरण में चले जाते हैं। और जब तक हम कन्हैया को ये नहीं कहते कि कन्हैया हम आपके हैं, आप हमारे हो, तब तक कन्हैया हमको स्वीकार भी नहीं करते। और इसीलिए भाव से हम सभी कन्हैया से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे और भगवान से कहेंगे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो। थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे कन्हैया तुम हमारी।
रे प्रियतम राधे। तुझे छोड़ो नंद दुलारे कोई न मीत हमारो इसके द्वारे जाए पुकारे कोई न दिखे सहारो ओ किसके द्वारे जाए पुकारो कोई न दिखे सहारो किसके किसके द्वारे जाए पुकारो कोई नदी के सहारो अब तो आकर बांह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम अब तो आके बांह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम Thank you.
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। ओ एक बार बस प्रभु ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार बस प्रभु ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत के गीत निभा दो, ओ मेरे प्रिय दो। ओ साची प्रीत के गीत निभा दो, ओ मेरे प्रिय दो।
जय हो। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कौन कौन है कन्हैया का? बस इतने ही। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जब तक दोनों तरफ से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम कह तो देते हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, लेकिन क्या सही में हम उनको मानते हैं? जिस दिन हम भगवान को अपना मानने लग जाएंगे, उस दिन नेत्रों से अगर अश्रुपात होंगे तो केवल कन्हैया के लिए। और आज गोपियां भगवान से बहुत भाव से यही निवेदन कर रही है, यही बार बार कह रही है, कन्हैया हमको स्वीकार करो। लेकिन भगवान बहुत परीक्षाएं लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि जब जब जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तो ये विचार करना कि अब हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं, हम भगवान के परीक्षा में पास होने वाले हैं। और अगर व्यक्ति डर गया, घबरा गया, आज जितनी भी गोपियां हैं, सारी गोपियां भगवान से भाव से यही कह रही हैं। भगवान ने उन गोपियों को स्वीकार भी किया, भगवान ने उनके साथ रास आरंभ किया। जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने स्वरूप बना दिए। किसी भी गोपी को ये महसूस नहीं हो रहा, हर गोपी के साथ भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं, अलग अलग क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी गोपी के भगवान चरण दबा रहे हैं, किसी गोपी की हवा कर रहे हैं। अचानक से गोपियों को अभिमान हो गया, और अभिमान इस बात का हुआ कि शायद हम इतने ज्यादा सुंदर हैं जो भगवान हमारे साथ ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन भगवान को आपका सुंदर स्वरूप नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान ने ही हमको दिया है। भगवान को तो आपका सुमन चाहिए, आपका सुंदर मन चाहिए। अगर आपका मन सुंदर है तो भगवान, आप गोरे हैं, काले हैं, कैसा आपका स्वरूप है भगवान उसको नहीं देखते, क्योंकि भगवान तो सुंदर मन को देखते हैं कि हमारा मन सुंदर है कि नहीं। और गोपियां जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान उन गोपियों के मध्य से राधा रानी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां दर बदर भटकने लगी, क्योंकि व्यक्ति को पहले कोई
वस्तु मिल जाए और फिर वह वस्तु उससे छीन ली जाए या उसकी वह वस्तु खो जाए तो व्यक्ति पागल सा हो जाता है। हर तरफ उसको अपनी वह वस्तु ही नजर आती है और आज गोपियों के साथ भी यही हुआ। भगवान ने गोपियों के साथ आकर ये क्रीड़ा की और गोपियां जैसे ही भगवान उनके मध्य से अंतर्ध्यान हुए दर दर भटकने लगी। अब तो हर जगह जाकर हर किसी से जाकर यही पूछती हैं कि हमारा कन्हैया कहाँ है। तुलसी मैया से जाकर निवेदन करती हैं, हे तुलसी महारानी आप ही हमारी थोड़ी मदद कर दो, आप ही हमको बता दो कि हमारे कन्हैया हमको छोड़कर क्यों चले गए। अब तो हम जान गए कि भगवान किस किस स्वरूप से प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं करते। जो भगवान को भाव से ध्याता है, सुंदर मन से जो भगवान को याद करता है, भगवान उसको ही स्वीकार कर लेते हैं। अब तो सारी गोपियां रुदन करने लगी, ऐसा उनका भाव हो गया है कि दो कदम की भी दूरी अब वो तय नहीं कर पा रहे हैं। भूख प्यास लग नहीं रही है, कभी पीपल भगवान से जाकर पूछती हैं, पीपल के वृक्ष से कहती हैं कि हे पीपल हमने भी सुना है कि तेरे अंदर नारायण भगवान का वास है, तू ही बता दे कि हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। हे धरती मैया आप ही हमारी मदद कर दो, कोई तो हमारी सहायता करो, कोई तो हमको बता दो कि हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। हाँ हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, लेकिन कन्हैया आप तो सब जानते हो ना, हम अपना सब कुछ त्याग करके आए थे आपके लिए और कन्हैया आप हमको छोड़कर चले गए। गोपियां इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं कि अब तो गोपियों ने वो क्रीड़ा करनी आरंभ कर दी जो क्रीड़ा भगवान अपने बचपन में करते थे। बचपन में भगवान ने जो जो लीलाएं की, कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी सकटासुर बन जाती है, और इस प्रकार से जो जो लीलाएं मेरे कन्हैया ने की, आज वो गोपियां उन लीलाओं को दोहरा रही हैं। हर जगह उनको कन्हैया नजर आ रहे हैं और जैसे ही पास जाती हैं कि कन्हैया वहां पर होते नहीं। गोपियां इतनी पागल सी हो गई हैं, सबसे जाकर प्रार्थना कर रही हैं, कोई तो बता दो हमारे कन्हैया कहाँ हैं, कोई तो हमारी मदद कर दो। और जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा, राधा रानी के पास पहुंच गई, उनसे जाकर कहने लगी कन्हैया आप कहीं साथ तो गए थे ना, बता दो कन्हैया कहाँ गए हैं। राधा रानी भी कुछ कह नहीं पाई। अब तो गोपियां हर जगह जा रही हैं, कहीं उनको कन्हैया मिल जाए, कहीं उनको कन्हैया दिख जाए, एक झलक तो कन्हैया की हमको दिख जाए। आज सारी गोपियां एकत्रित होकर यमुना के किनारे पर बैठ रही हैं। यमुना किनारे पर आकर कहने लगी हे यमुना मैया आप थोड़ी सी तो मदद कर दो। यमुना मैया जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक कन्हैया हमसे मिलने वाले हैं नहीं। और आज उन गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत गाया। ये गोपी गीत इसमें 19 श्लोक हैं, पूरा गोपी गीत संस्कृत में है। इतने भाव से
गोपियाँ एकत्रित होकर भगवान के लिए गोपी गीत गा रही है और कह रही है, अगर आज भी आप हमारे इस गीत को सुनकर नहीं आए तो कन्हैया हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। हम भी भाव से दो चार श्लोक गोपी गीत के गाने का प्रयास करते हैं। जिनको आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे। जयति ते धिकम् जन्मना ब्रज श्रयति दिरा शशल प्रहि श्रयति वृषता स्वामिचेते जयति देविकं
ब्रज श्रयति इन्दिरा सदत्रहि। गोपियां भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपको मालूम है कि स्वयं लक्ष्मी मैया भी इस ब्रज मंडल में आकर वास करती है। प्रभु, आपसे बस यही निवेदन है कि कन्हैया आप हमको आकर स्वीकार करो। और इस भाव से आज जब कन्हैया को पुकारा गया तो कन्हैया से रहा नहीं गया। और कन्हैया मेरे उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब सारी गोपियां अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए बैठी हुई हैं, तब भगवान ने वहां आकर उन सब गोपियों को दर्शन दिया। और जैसे ही गोपियों को दर्शन हुआ, गोपी गदगद हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। बुलबांके बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए भगवान को मैंने पहले भी कहा है, भगवान ऐसे नहीं आते। जब तक व्यक्ति को स्वयं का अभिमान होता है, अपने धन का अभिमान होता है, अपनी संपत्ति का अभिमान होता है, तो भगवान हमको स्वीकार करने वाले हैं ही नहीं। जब हम सारे अभिमानों के रहित विमान हो जाते हैं, जब मन में कोई अभिमान नहीं रहता, तब भगवान के चरणों में जाकर बैठते हैं, तो फिर कन्हैया हमको स्वीकार करते ही करते हैं। और आज कन्हैया ने उन गोपियों के मध्य पुनः रास क्रीड़ा आरंभ कर दी। बड़े भाव से वहां पर सुंदर सुंदर भगवान का ये रास का उत्सव चल रहा है। तभी वहां पर भगवान के सभी रूपों के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ आते हैं। भगवान चाहे बालक बन जाएं तो उनके बालक स्वरूप को देखने के लिए आते हैं कि भगवान लगते कैसे हैं। और आज तो मेरे कन्हैया उन असंख्य गोपियों के संग में इतना सुंदर रास क्रीड़ा कर रहे हैं। आज भगवान ने उस क्रीड़ा को पुनः आरंभ कर दिया। भगवान कभी किसी गोपी को पंखा झलते हैं, कभी किसी को अपने भाव से उसके चरणों को दबाते हैं, कभी किसी गोपी से वार्तालाप करते हैं। और इतना बढ़िया दृश्य जब मैया पार्वती ने भगवान शंकर को जाकर बताया, तो भगवान शंकर से मैया पार्वती कहने लगी कि प्रभु, वैसे तो हम आपको भी रास के दर्शन करा देते, लेकिन वहां पर रास में केवल महिलाओं को ही प्रवेश है, स्त्रियां ही जाती हैं। अब भगवान शंकर बोले, तो देखो, हम तो फिर रास, जो हमारे रासेश्वर भगवान है, उनका तो दर्शन कर ही नहीं पाएंगे कि वो कैसे लगते हैं। मैया पार्वती बोली, मेरे पास एक युक्ति है, अगर आप मानो तो। भगवान शंकर बोले, तो हमको रास में ले चलो, हम सारी बातें तुम्हारी मानने के लिए तैयार हैं। और आज मैया पार्वती अपने हाथ से भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही है। ओ गोरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी, ओ मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, कैसे मैं मानूं।
बात तुम्हारी ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, अगर कहीं मैं पकड़ी गई तो हंसी उड़ेगी भारी। भोले भारी भोले भारी लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जा भोला बन जा भोली घूमत निकाल के, भोला बन जा भोली घूमत निकाल के। भैया गौरा ने कहा स्वामी प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। एक हाथ में डमरू बोले दूजे त्रिशूल आला, दूजे त्रिशूल आला। इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली घूमत निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमत निकाल के। जो चलोगे कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज किया जी कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी। पकड़े जाओगे बाबा मर्दानी चाल से, पकड़े जाओगे बाबा मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली घूमत निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमत निकाल के। ओ तेरे भोले बाबा को तब बोले हैं ये कनाई, बोले हैं ये कनाई। अब आई है बिन घूंघट के ये घूंघट में को आई, घूंघट में को आई। पकड़ी जाए कलाई कलाई, पकड़ी है आज गोरी, पड़ी है पाले गोरी आज नंदलाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली
गोपेश्वर महादेव की जय हो। और इस प्रकार भगवान शंकर ने उस रास में जाकर दर्शन किया और तदुपरांत भगवान ने सारी गोपियों के जो मन के भाव थे उन भावों को पूर्ण किया। लेकिन आचार्य श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बात थोड़ी अटपटी लगी, ठीक नहीं लगी। भगवान का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना करने के लिए, तो फिर भगवान ने गोपियों के साथ ये रास क्रीड़ा क्यों की, इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी। और ये बात इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका है। भगवान आचार्य श्री सुखदेव जी ने जब इस बात को सुना तो उनको स्वयं को ही थोड़ा सा अटपटा लगा कि जो निरंतर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा प्रश्न। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब ये कह दिया जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, चेतन अमल सहज सुख राशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन व्यक्ति जो भगवान ने किया उसको करना चाहता है। और इसमें भी आचार्य श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, एक बात बताओ, भगवान शंकर क्या उन्होंने जो किया वो तुम कर सकते हो, या दुनिया वाला कोई भी कर सकता है? क्योंकि जो कालकूट विष निकला था उसको भगवान शंकर ने पान किया था और उस विष में इतनी सामर्थ थी कि अगर एक बूंद भी विष की किसी के भी मुख में चली जाए तो वह व्यक्ति 1.5 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो बताओ क्या जो भगवान शंकर ने किया वो तुम कर सकते हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि जो भगवान कन्हैया ने किया वो हम करना चाहते हैं? भगवान कन्हैया ने तो 6 दिन की पूतना, जब भगवान 6 दिन के थे तभी भगवान ने इतनी विशाल काय पूतना राक्षसी को मारा था। देखिए, हमको जो भगवान ने किया है, भगवान राम ने, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि भगवान राम पहले क्यों आए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पहले इसलिए आए कि जब व्यक्ति के जीवन मर्यादा हो जाएगी, व्यक्ति का जीवन मर्यादा मय हो जाएगा, तब जाकर वो कन्हैया की भक्ति को समझ पाएंगे। हमारे जीवन में मर्यादा स्थापित करने के लिए पहले राघवेंद्र सरकार आए और फिर जाकर 10वें स्कंद में हमारे कन्हैया का प्राकट्य उत्सव हुआ। जो भगवान राम ने किया उसे हम कर सकते हैं,
लेकिन जो भगवान कृष्ण ने किया वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम विशुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण योगेश्वर भगवान है। भगवान राम ने हम सबको ये शिक्षा भी दी है कि व्यक्ति को मर्यादित जीवन कैसे जीना चाहिए, और इसके लिए जब तक हम श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति को कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे इस समाज में किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, ये सारी बातें हम जान नहीं पाएंगे। और कहा भी जाता है कि श्री रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है, हमारा जीवन कैसा हो वो हमको रामचरितमानस बताती है कि भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक माता पिता का क्या कर्तव्य होता है, क्या व्यवहार होता है, ये सब हम श्री रामचरितमानस में सीखते हैं। लेकिन आजकल तो कलिकाल चल रहा है, एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे जिन्होंने अपने माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया, और जितनी संपत्ति थी सब का त्याग कर दिया, और एक आज के भाई है। आज आप देखिए भाई भाई में संपत्ति के पीछे इतना झगड़ा हो रहा है, इतना क्लेश हो रहा है कि एक भाई दूसरे भाई का मुख देखना नहीं चाहते। लेकिन एक भाई को एक भाई की संपत्ति का नहीं, अगर करना है तो उसकी विपत्ति का बंटवारा करो। लेकिन आजकल हम आए दिन देखते हैं, और तो और माँ बाप जिस घर को इतने प्यार से लाड़ से बनाते हैं उनके जाने के बाद उस घर को भी टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो माँ बाप भी क्या सोचते होंगे कि जिस घर को हमने इतने लाड़ प्यार से बनाया था आज उसकी क्या स्थिति हो रही है। और तो और एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए अगर जीवन को जीना सीखना है, जीवन जीने की कला आपको सीखनी है, जीवन में एक बार अवश्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत कथा हमको बताती है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी मृत्यु कैसे शुद्ध हो, कैसे उसको जीते जी मुक्ति मिले। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कहती हूं, ये आजकल का जो माहौल है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले जब बुजुर्ग को बच्चे प्रणाम करते थे तो उनके चरण स्पर्श किया करते थे, और तो और अगर कोई ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो राम राम तो सबके मुख से निकलता ही था, और जब हम अपने बड़ों को राम राम बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे तो हमको वो खूब आशीर्वाद देंगे। और आज का युग राम राम का तो रहा नहीं,
सब बदल गया है, और सब बदल कर क्योंकि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। कोई राम राम नहीं करता आजकल तो, हाय बाय। भैया एक बात बताओ, जब पहले से ही आप हाय हाय कर रहे हो तो अगले आदमी को क्या आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? इसीलिए आप अपने बच्चों को मॉडर्न बनाओ, मैं मना नहीं करती, लेकिन उतना ही बनाओ जितना कि वो आपके पास रहे। इतना ज्यादा मॉडर्न ना बन जाए कि आपको यहीं इंडिया में छोड़कर और स्वयं विदेश चले जाए। भगवान राम ने किया प्रातः काल, जैसे ही भगवान राम उठते थे तो सबसे पहले अपनी माता पिता के कक्ष में जाते थे और उनको जाकर प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहिं माता, मात पिता गुरु नावहिं माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहिं माता, प्रातः पिता गुरु नावहिं माता। और आजकल तो समय ही नहीं है किसी के पास, दो दो चार चार दिन निकल जाते हैं, बच्चे माता पिता से नहीं मिल पाते और माता पिता बच्चों से नहीं मिल पाते। इसीलिए मेरा आप सभी यही निवेदन है कि मॉडर्न बनो लेकिन उतने ही। जो अदर कंट्रीज हैं वो तो हमारा जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो आप वृंदावन में जाओ, इस्कॉन टेंपल में इतनी माताएं हैं और इंडिया की नहीं है, मोस्ट ऑफ जितनी हैं सब विदेश से आई हुई है। और पता है वहां पर बढ़िया सी सुंदर सी साड़ी बांधती हैं, बढ़िया श्रृंगार करती हैं, हाथ में माला झोली लेकर पूरे श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाती हैं। और हम कैसे जाते हैं? हम पूरे वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाते हैं। आजकल तो कुछ मंदिरों पर रोक भी लगाई जा रही है कि आप अगर इंडियन कल्चर को पहनकर आओगे तो ही आपको मंदिर में दर्शन का यह सौभाग्य मिलेगा। और अभी हाल ही में आप सबने पढ़ा होगा राधा दामोदर जी का मंदिर है श्रीधाम वृंदावन, वहां पर रोक लगा दी गई। जो इंडियन कल्चर से आएगा, बढ़िया बढ़िया जो हमारी संस्कृति है उसको मानेगा, वैसे ही वस्त्र धारण करेगा, तो उसको ही उस मंदिर में प्रवेश मिलेगा। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप सब जानते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमको मालूम है कि जो भगवान है वो विशाल है और हम उनके एक अंश हैं। जिस प्रकार से बहती हुई हमारी यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये गंगा जी विशाल हैं। हम सभी को मालूम है, हम जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं
वहां पर खूब भाव से हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे और खूब डुबकी लगाते हैं। मन में भाव आया कि थोड़ा सा गंगा जल अपने ठाकुर जी के लिए भी लेकर जाए, अपने ठाकुर जी को भी डुबकी लगवाएंगे। थोड़ा सा गंगा जल लेकर आए ही उसको रख दिया कि तब तक एक श्वान आया और उसने उस गंगा जल को झूठा कर दिया। अब बताओ उस गंगा जल से जिसको हम अपने ठाकुर जी के लिए लाए हैं उससे अब उनको स्नान कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि अब वो झूठा हो गया, स्वान का झूठा। अब तो वो प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। लेकिन हमको एक बात बताओ कि जो हमारी गंगा जी हैं, उन गंगा जी में अगर आप कानपुर की तरफ चले जाएं, तो कानपुर की तरफ जो गंगा जी के घाट हैं वो बड़े ही दूषित हैं। वहां पर इतने ज्यादा उन गंगा जी में उन महानगरों की गंदगी आ रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो कचरा है, जो गंदगी है, वो सारी उन गंगा जी में ही आ रही है। और तो और क्या कहें, कुछ कुछ गांव से होकर गंगा मैया निकली है तो वहां के लोग तो अपनी भैंसों को भी उस गंगा जी में स्नान करा देते हैं। हमको बताओ कि जब गंगा जी में भैंसे स्नान कर रही हैं तो स्नान करते करते अपना मल मूत्र भी त्यागती होंगी, लेकिन फिर भी हम गंगा जी में खूब डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे। तो कहा कि जो बहती हुई गंगा जी है वो विशाल है और वो जल उनका अंश है। उसी प्रकार से हम हैं, भगवान तो विशाल है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा। भगवान तो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम वो कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर हमको चलना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने जो किया उस मार्ग को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इसी प्रकार भगवान ने अपनी और लीलाओं को आगे बढ़ाया और इसी क्रम में एक बार श्री नारद जी महाराज पहुंचे कंस के पास। कंस से जाकर कहने लगे कि देखो तुमको मालूम है वो नंद का छोरा कितना बड़ा हो गया और अभी उसका बाल विवाह का नहीं हुआ, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अब कंस स्वयं की बुद्धि तो है नहीं, जैसा नारद जी महाराज ने कहा वैसा ही उसने मान लिया। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं क्या करूं, तो नारद जी महाराज ने उसको रास्ता भी बता दिया, कहा कि तुम एक काम करो, तुम ना अपने यहां धनुष यज्ञ करो। कंस बोला ये बढ़िया बात, और उस धनुष यज्ञ के माध्यम से तुम कृष्ण और बलराम को अपने यहां आमंत्रित करो और धोखे से उनको मार देना। अब कंस कहने लगा कि उनको लेकर आएगा कौन? तो नारद जी महाराज कहने लगे अरे श्री अक्रूर जी महाराज है ना, वो आप उनको भेजो, वो कृष्ण बलराम को अवश्य ही लेकर आएंगे। रात्रि में ही अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया और इधर श्री नारद जी महाराज पहुंच गए कन्हैया के पास। नारद जी महाराज क्या कार्य कर रहे हैं? इधर तो नारद जी महाराज ने वही बात कंस से कही है और यही बात भगवान ने वहां जाकर कन्हैया से कहने आरंभ कर दिए। आप हमको एक बात बताओ, आपको मालूम है कि वो कंस जो कितना पापी है, दुरात्मा है, जिसने आपकी माँ को कितनी पीड़ा दी, उन मथुरा वासियों को वो अभी भी पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप जाकर उसको मार क्यों नहीं देते?
भगवान समझ गए वाह नारद जी आपकी लीला अपरंपार है। इधर तो आपने हमसे आकर कह दी और उधर आपने कंस से जाकर कह दिया। नारद जी महाराज बोले प्रभु हमारा तो यही काम है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमको ज्ञान प्रदान करे वो है नारद जी महाराज। ये तो नारद जी महाराज का मनोरंजन है, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा करते हैं, ये तो उनका स्वभाव है। और वैसे भी पहले के जमाने में कोई टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, तो नारद जी महाराज के द्वारा ही सूचना इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर पहुंचाई जाती थी। ये सूचना भी नारद जी महाराज ने जाकर जैसे ही कन्हैया को दी, भगवान ने कहा देखो समय आने दो और समय के साथ हम अवश्य ही उसका कल्याण कर देंगे। अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया, अक्रूर जी महाराज से कहा कि आपको वृंदावन जाना है। गच्छ नंद ब्रजा तत्र सुतावान कुदुम्ब में, आपको वृंदावन जाना है और वहां से आपको कृष्ण और बलराम को लाना है। अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि क्या हुआ, क्यों कृष्ण और बलराम को बुला रहे हो? कंस ने कहा कि देखो हम ना अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं और उसी में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कर रहे हैं। कंस कहने लगा आपको तो खूब मालूम है कि कृष्ण और बलराम से मैं कितनी ईर्ष्या करता हूं। अक्रूर जी ने पूछा तो आप अपना भाव स्पष्ट कीजिए, आप क्यों बुलाना चाहते हैं? कंस बोला कि देखो मैं उनको यहां पर धोखे से बुला लूंगा और फिर धोखे से उनको मैं मार दूंगा। श्री अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही इस बात को सुना तो उनको ये बात बड़ी खराब लगी। अब तो अक्रूर जी महाराज ने जाने से मना कर दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर नहीं आऊंगा, आप किसी और को भेज दो। लेकिन वैसे ही कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगा अरे जाते हो कि अभी तुम्हारा सर में कलम कर दूं, तुम्हारी मृत्यु अभी मेरे हाथ हो जाएगी, नहीं तो तुम यहां से जल्दी से जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे मैं क्या करूं, अगर नहीं जाऊंगा तो इस पापी के हाथों मारा जाऊंगा, तो क्यों ना एक बार चला ही जाऊं। अक्रूर जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते बहुत देर हो गई। श्रीधाम वृंदावन से मथुरा का जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते पूरा दिन निकल गया। और जैसे ही संध्या वेला हुई, मेरे कन्हैया गौ चराकर लौट ही रहे थे कि तभी श्री अक्रूर जी महाराज वहां पर पहुंचे। अक्रूर जी महाराज ने सारी बात जाकर कन्हैया से कह दी। कन्हैया ने कहा कि देखो काका जो बात आपने हमसे कही है ना, ये बात हमारे ब्रजवासियों से मत कहना, क्योंकि हमारे जो ब्रजवासी हैं, जो हमारी यशोदा मैया हैं, जो हमारे नंद बाबा हैं, जो हमारे छोटे छोटे ग्वाल हैं, वो हमको बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन अगर आपने ये बात जाकर उनसे कह दी ना तो वो भोजन भी नहीं ग्रहण करेंगे। सबको मालूम तो चल गया ब्रज में कि कोई अक्रूर आया है। बड़े भाव से यशोदा मैया ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सबको भोजन प्रसादी सबने ग्रहण की और अंत में जब मैया अपनी थाली लेकर बैठी
तभी नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर सही में बताओ तुम्हारा आना क्यों हुआ, किस कारण से तुम यहाँ पर आए हो। तब श्री अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आपको मालूम है कंस ने कृष्ण और बलराम को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, उसने कहा है कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में आप दोनों बालकों को लेकर आओ। नंद बाबा ने कहा अक्रूर ये क्या कह रहे हो, और जैसे ही ये बात यशोदा मैया ने सुनी, यशोदा मैया भोजन के लिए पहला ग्रास तोड़ ही रही थी कि तब तक उन्होंने बात को सुन लिया। अब तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वहीं आ गई और आकर पूछने लगी आपने क्या कहा, फिर से कहना आपने कहा क्या। अक्रूर जी महाराज कहने लगे अरे यशोदा मैया मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कंस ने कृष्ण और बलराम को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, तो आप उनके जाने की अनुमति हमको प्रदान करो। मैया यशोदा ने जब इन शब्दों को सुना मैया यशोदा स्तब्ध रह गई, उसके मुख से कोई शब्द ना निकले, अश्रु की धार बहने लगी। मैया कहने लगी अरे अक्रूर तुम अगर मुझसे कहोगे कि यशोदा मैया तुम्हारे प्राण हमको चाहिए तो हम आपके हंसी हंसी मैं अपने प्राणों को आपको दे दूंगी सौंप दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को मैं नहीं दे सकती, मैं इन दोनों बालकों से बहुत प्रेम करती हूँ बहुत स्नेह करती हूँ, कुछ भी करो मैं इन बालकों को नहीं दे सकती। यशोदा मैया विलखती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। आपने ये क्या मांग लिया, मानो आज कन्हैया मैया को खूब समझा रहे हैं, नंद बाबा खूब समझा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया को एक बात समझ नहीं आ रही। यशोदा मैया बार बार कहती है अरे आप और कुछ मांग लो मैं आपको सहर्ष दे दूंगी, कृष्ण और बलराम को मैं नहीं दे सकती, इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नंद बाबा समझाते हैं अरे यशोदा क्यों इतना रुदन करती है, बावरी है गई है कहा। यशोदा देख थोड़े दिन की तो बात है, कोई बात ना, बालकन को थोड़ो घर से बाहर भी जाने दे, अब तो बालक बड़े है गए हैं। कन्हैया अभी अपनी माँ से कहने लगे माँ हमको कब तक घर में रखेगी, हम क्या कभी कहीं जाएंगे नहीं, हमको भी तो कहीं जाने देना माँ। अब तो यशोदा मैया रुदन करती जा रही है करती जा रही है। आज पूरी रात्रि मैया को नींद नहीं आ रही, सब अपने अपने कक्ष में चले तो गए लेकिन मैया की सिसकियों की आवाज आ रही है, और जैसे ही कन्हैया ने इस आवाज को सुना कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया से जाकर कहने लगी मैया ओ मैया तू इतना क्यों चिंता करती है, थोड़े दिन की तो बात है ना मैया मैं आ जाऊंगा। मैया देख तूने भोजन भी नहीं किया, यशोदा मैया रुदन करती जा रही है, अपने कन्हैया को अंक में भर लेती है, लाला क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या कोई भूल हो गई, तू मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहता है लाला। अरे मैया कैसी बात करे, मैं तो तुझे बहुत प्यार करूं बहुत प्रेम करूं, तुझसे कोई भूल ना भाई मैया। और इस प्रकार दोनों वार्तालाप करते रहे, कब बोर हो गई किसी को मालूम ना चला।
ये खबर धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गई। पूरे ब्रज में जितनी गोपियां हैं आज वे गोपियां कहने लगी, पता नहीं आज विधाता क्यों उस अक्रूर के रूप में यहाँ पर आ गया, आज स्वयं विधाता ही हमसे रूठ गया। सारी गोपियों ने कहा कि देखो हम कन्हैया को ऐसे जाने नहीं देंगे, अगर कन्हैया जाएंगे ना तो हमारे प्राणों के ऊपर होकर कन्हैया को जाना पड़ेगा। इतने तो छोटे छोटे भगवान के सखा थे, ग्वाल वाल थे, सारे ग्वाल वाल दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, हम इस दरवाजे से बाहर कन्हैया को जाने नहीं देंगे। मानो जिन गायों को मेरे कन्हैया ने गौचारण के लिए ले जाते थे, जिनका दुग्ध पान किया था, आज उन गायों के नेत्र से भी अश्रु की धार निकल रही है कि अब हमको कौन लेकर जाएगा। उस ब्रज में सब इतने आतुत हो गए हैं, सब इतने परेशान हो गए हैं, सब रुदन करते जा रहे हैं, सबके नेत्र से अश्रु की धार बह रही है। आज मैया सुबह से ही अपने गृह कार्यों को कर रही है, तो मैया के हाथ से वह कार्य हो नहीं रहे हैं। मैया लाला के लिए माखन बना रही है, कह रही है आज और अपने हाथ से लाला को माखन खिला दूं, फिर पता नहीं जीवन में ये शुभ अवसर मुझे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने हाथ से माखन बनाया, अपने हाथ से आज सारे कार्य को लाला की कर रही है, अपने हाथ से लाला को स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, बढ़िया सी चोटी बना दी और फिर कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा लिया। अपने हाथ से माखन खिलाती जा रही है और कह रही है कन्हैया देख अपनी मैया देवकी से जाकर मेरी शिकायत मत करना लाला, कभी कभी मैंने भूल बस तेरे कान पकड़ लिए हो तो कन्हैया मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, लेकिन अपनी मैया देवकी से जाकर मेरी शिकायत मत करना। आज मैया लाला से ऐसी बातें कर रही है, लाला देख वो उखल वाली बात तो अपने मैया से जाकर मत कहियो, मैंने तो कुर रस्सी से बांध दियो ना, ये बात अपने मैया ये देवकी से जाकर कहना मत। आज दरवाजे पर असंख्य गोपियां खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल खड़े हुए हैं, सब ये कह रहे हैं हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया लाला को बड़े भाव से हृदय से लगाती है, फिर लाला को देखती है, फिर हृदय से चिपका लेती है, लाला से वार्तालाप करती है। जैसे ही कन्हैया रथ पर बैठने लगे, मैया दौड़ी दौड़ी आई और आते आते मैया को रास्ते में पटक लग गई। मैया इतनी जोर से गिरी, लेकिन फिर भी मैया संभलने का प्रयास करती है, खड़े होने का प्रयास करती है। मैया कहती है हे कन्हैया देख एक बार और अपने मैया को अंक से लगा ले, फिर पता नहीं मुझे ये शुभ अवसर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कन्हैया एक बार और अपने मैया को अंक से लगा लेना। कन्हैया मैया को ऐसे आते हुए भावुक हो गए, परेशान हो गए। मैया को अंक में भर लिया,
भरने के बाद कन्हैया ने कहा, मैया तू मुझे जाने नहीं देगी, अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। कन्हैया उस रथ के ऊपर चढ़ गए, एक रथ में जाकर सारे बाल बाल बैठ गए। लेकिन जैसे ही कन्हैया की नजर गोपियों के ऊपर पड़ी, राधा रानी के ऊपर पड़ी, कन्हैया एक बार पुनः राधा रानी से मिलने गए। उनसे जाकर कन्हैया कहने लगे, हे राधे देख, मैंने ब्रज में जो बांसुरी बजाई वो अपनी गोपियों को प्रसन्न करने के लिए बजाई, और आज के बाद मैं ये बांसुरी फिर कभी नहीं बजाऊंगा। भगवान ने वो बांसुरी राधा रानी को सौंप दी, राधा रानी आप ही इस बांसुरी को संभालो। राशेश्वरी हमारी राधा रानी, उन्होंने कहा, कन्हैया आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं अपने ब्रज को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपने ब्रज में ही वास करूंगी। क्योंकि जब भगवान राम त्रेता युग में वन के लिए गए थे तो उनके साथ जानकी मैया भी गई थी, और फिर अयोध्या बिल्कुल सूना हो गया था। लेकिन आज मेरी राधा रानी ने कह दिया, कन्हैया मैं अपने ब्रज को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और आज कन्हैया ने कहा, हे राधे, आज के बाद आपकी जिम्मेदारी है मेरे इस ब्रज धाम को सुरक्षित रखने की। आप जैसे चाहो वैसे मेरे इस ब्रज धाम को संभालना, कभी मेरे ब्रजवासियों के ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए। और आज भी जब हम श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है और पुनः कहती हूँ कि वृंदावन व्यक्ति जा तो सकता है, लेकिन जब तक लाडली जी कृपा नहीं करती, राधा रानी कृपा नहीं करती, तब तक वो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकता। और इस प्रकार आज रथ पर सवार होकर, एक रथ पर भगवान के सारे मित्र बैठ गए, हम भी तेरे साथ जाएंगे, तू अकेला नहीं जाएगा। नंद बाबा भी उन ग्वाल वालों के साथ एक रथ पर विराजमान हो गए, और दूसरे रथ पर आज कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं। जब तक मैया ने उस धूल को उड़ते हुए देखा, तब तक मैया ये प्रतीक्षा कर रही है, मेरा कन्हैया वो जा रहा है, मेरा कन्हैया वो जा रहा है। छत पर जाकर फिर रथ की ध्वजा को देखने लगी, जब तक उसको उस रथ की ध्वजा नजर आई, तब तक यशोदा मैया यूं ही देखती रही। और फिर तो मैया इतनी परेशान हो गई, पता नहीं क्या हुआ, कन्हैया मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अब दूध माखन में किसको खिलाऊंगी, गागा के लोरियां किसको सुनाऊंगी, अब दूध माखन में किसको खिलाऊंगी, गागा के लोरियां किसको सुनाऊंगी। मुझे याद ना आना, मुझे याद ना आना रे कन्हैया, भूल ना जाना, यादें रखूंगी समा ओ लाल रे, खुश रहना मेरे लाल।
इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जा करके खुश रहना मेरे लाल हो लाडले खुश रहना मेरे लाल और ब्यास जी के स्वागत में हमारे अग्रवाल साहब आए हैं पश्चिमपुरी से। इन्होंने पिछले सत्र में किशोर जी की कथा कराई थी, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। हमारे मनोज भैया और विक्की भैया जो बोधरा से बजा रहे हैं, उन्होंने भी पिछले सत्र में किशोर जी की कथा कराई, तो जोरदार तालियों स्वागत करें। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, सबका बहुत स्वागत है। हमारे भोजवाणी जी, इनका जोरदार तालियों स्वागत करें, जोरदार तालियों स्वागत करें। कई कथाएं दीदी की करा चुके हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल तू लौट के आना जल्दी मेरे छैया, इन महलों में रो रो के भर जाएगी तेरी मैया। मुझे भूल ना जाना, मुझे भूल ना जाना रे कन्हैया, याद ना आना, याद रखूंगी समा ओ लाडले, याद रखूंगी समा गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जा करके खुश रहना मेरे लाल खुश रहना मेरे लाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली श्री राधा रानी सरकार की। और इस प्रकार भगवान रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा जा रहे हैं। रास्ते में श्री अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। जब स्नान कर रहे थे तो जैसे ही डुबकी लगाते नीचे जाते तो उनको ऐसा महसूस होता कि इस रथ पर साक्षात रूप से चतुर्भुज रूप में हमारे कन्हैया बैठे हुए। जैसे ही फिर देखते, दो तीन बार यही होता रहा कि डुबकी लगाते तो ऐसा महसूस होता, और फिर बाहर आकर देखते तो दोनों बालक नजर आते। लेकिन श्री अक्रूर जी महाराज समझ गए कि ये कोई बालक वालक नहीं है, ये तो साक्षात रूप से हमारे नारायण भगवान ही पधारे हैं। और बड़े भाव से भगवान ने अक्रूर जी महाराज से कहा, भगवान तो ऐसी क्रीड़ा करते हैं कि किसी को मालूम ना चले। अक्रूर जी महाराज से भगवान कह रहे, अरे काका काका आपको मालूम हम तो डर ही गए थे, हमने मथुरा देखी नहीं है, पहली बार घर से बाहर निकले हैं, और जो बाबा का रथ था वो भी आगे चला गया, और हमको तो लग रहा था पता नहीं आप कहाँ चले गए। जैसे ही अक्रूर जी महाराज है, अक्रूर जी महाराज कहने लगे, प्रभु देखो मैं आपकी सारी लीला समझ चुका, मैं सब जान गया कि आप मेरे इष्ट देव हैं।
और इस प्रकार से भगवान और आगे बढ़े। आगे के सत्र में जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे तो मथुरा जाकर भगवान ने क्या देखा कि जितनी माताएं पूरी व्यवस्था से बैठी हैं, अब वो बाहर से तो स्वागत कर नहीं सकती क्योंकि कंस का इतना भय है कि किसी ने भी अगर कृष्ण और बलराम का स्वागत किया तो कंस मार डालेगा, और इसीलिए बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी माताएं अपने अपने घरों के अट्टालिकाओं पर जाकर बैठी और वहीं जाकर सारी माताओं ने देखा कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। उन्होंने ऊपर से ही फूलों की वर्षा उनके ऊपर कर दी। जब इतना बढ़िया दृश्य मेरे कन्हैया ने देखा, उनके मित्रों ने देखा, देखते ही गदगद हो गए। अब कन्हैया के मित्र बोले, ए लाला लाला देख, हम तो ऐसे ही चले आए, हमको मालूम नहीं मामा क्या तो स्वागत होएगा। अब जब ते आए तब ते फूलन की वर्षा है रही है, कुछ वस्त्रन की व्यवस्था करा दे लाला, हम तो जैसे हते वैसे ही चले आए। फिर कन्हैया ने यमुना जी के किनारे पर एक रजक जो कि कंस के वस्त्रों को धोया करता था, वहां जाकर भगवान ने अपने सारे मित्रों को वस्त्र दिलवाए। लेकिन वह रजक भगवान को न जाने क्या क्या कहने लगा, तो फिर भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार उसके ऊपर ऐसा किया कि वहीं उसके प्राणों का अंत हो गया। अब तो बालक बड़े प्रसन्न, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर, क्योंकि राजा के वस्त्र थे, कंस के बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र थे। अब बालक तो इतने बड़े बड़े और वस्त्र इतने बड़े बड़े। अब कन्हैया से फिर से कहने लगे, कन्हैया देख लाला, तू तो देख रहो है कि ये वस्त्र इतने बड़े बड़े हैं कि अब मथुरा में झाड़ू लगाए हुए क्यों आवश्यकता ना है। जैसे ही कन्हैया के मित्र चल रहे थे ना, वो वस्त्र उनसे दो दो हाथ नीचे थे, वो वस्त्र वैसे ही झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देख आगे चलते हैं। और फिर भगवान एक दर्जी के यहाँ पधारे और दर्जी ने जैसे ही सुना कि कन्हैया आ रहे हैं तो पहले ही पूरे ब्रज में खबर हो गई। दर्जी ने भगवान के जो मित्र थे उनके वस्त्रों को एकदम फिट कर दिया, सबने बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किए। और एक संत तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद भी दे दिया था, कहा था कि आज तूने मेरी सहायता करी है तो जा, कलयुग में जितने का वस्त्र नहीं हुआ करेगा उससे कई गुना तुमको सिलाई मिला करेगी। और आज हम सभी देख ही रहे हैं, आगे कन्हैया ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया। और इसी क्रम में भगवान के एक सुदाम नाम की माली के घर पधारे, क्योंकि ब्रजवासियों को क्या चाहिए, बढ़िया से वस्त्र, बढ़िया सी माला और मस्तिष्क पे चंदन, इतना तो होना ही चाहिए। और आप वृंदावन में चले जाओ, ऐसा शायद ही कोई ब्रजवासी आपको मिलेगा जिसके गले में कंठी और माथे पर चंदन ना हो, कोई भी हो, गले में कंठी, माथे पे चंदन और मुख पर राधे राधे, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मित्र कहने लगे, कन्हैया देख हमको माला की व्यवस्था कर दे। फिर भगवान एक सुदाम नाम के माली के यहाँ पधारे, उसने भगवान के मित्रों को बढ़िया बढ़िया मालाएं भेंट की। अब कन्हैया के मित्र कहने लगे, और तो सब व्यवस्था बन गई लाला, बस एक ही व्यवस्था ना बनी। कन्हैया बोले, तुम कहो का व्यवस्था रह गई, बस एक ये व्यवस्था रह गई कि न हमें थोड़ा चंदन मिल जातो तो थोड़ी बात बन जाती। भगवान बोले, चिंता क्यों करते, ये व्यवस्था भी हो जाएगी। और भगवान मार्ग में जा ही रहे थे कि वहां पर मेरे भगवान की नजर एक
युवती पर पड़ी। उसका लंबा सा घूंघट लगा हुआ है, उसके हाथ में एक चंदन का कटोरा है और उसकी पीठ पर एक कुवड़ निकला हुआ है। वो स्त्री तीन जगह से टेढ़ी है। सब मथुरावासी उसको कुब्जा कह कहकर चिढ़ाया करते हैं और उससे कहते हैं कि देख, तुझे अपना मुख दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो बिचारी लंबा सा घूंघट लगाकर हर समय रहती है। उसका नाम है सैरिंद्री त्रिविका। भगवान ने कहा, अरे कुब्जा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुब्जा कह कर तो सभी चिढ़ाया करते थे। लेकिन फिर भगवान ने कहा, ये सुंदरी आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? और जैसे ही ये शब्द आज उसने सुने, वहीं खड़ी रह गई और कहने लगी, अरे मेरे साथ क्यों परिहास करता है? ये सब मुझे कुब्जा कह कर चिढ़ाते और मुझे अब उसी शब्द की आदत हो गई है। लेकिन भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं सुंदरी, आप थोड़ा नजदीक तो आओ। ये चंदन का जो कटोरा है मेरे मित्रों को दे दो, ये चंदन लगाना चाहते हैं। त्रिपिका समझ गई, ये कोई और नहीं मेरे इष्ट देव है। भगवान ने कहा, थोड़ा सा नजदीक आओ। और भगवान के जैसे ही नजदीक आई, भगवान ने अपने एक अंगूठे से उसके मस्तिष्क को छुआ और पैर के अंगूठे से पैर के अंगूठे को छुआ, एक अंगूठा उसकी ठोड़ी पे लगाया और फिर भगवान ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, जैसे ही उसको एक धीमे से झटका दिया, कुब्जा जो तीन जगह से टेढ़ी थी, आज वो परम सुंदरी हो गई। और वैसे भी भगवान जिसका एक बार स्पर्श कर ले, अब तो कुब्जा भगवान से निवेदन करने लगी, प्रभु आप हमारे घर चलो। भगवान ने कहा, अभी नहीं, लेकिन हम आपके घर अवश्य ही पधारेंगे। ठाड़ो रहियो यशोदा के लाल रे, ठाड़ो रहियो यशोदा के लाल रे, ठाड़ो रहियो यशोदा के लाल रे, ठाड़ो रहियो रे, ठाड़ो रहियो मदन गोपाल रे, ठाड़ो रहियो। ओ मैं तो करियाऊं सोला, गोपाल रे ठाड़ो रहियो, यशोदा के लाल रे ठाड़ो रहियो। मदन गोपाल रे ठाड़ो
रहियो, ओ थारो रहियो, ओ थारो रहियो, थारो रहियो रहियो रे थारो रहियो रहियो रे थारो रहियो, यशोदा के लाल ने थारो रहियो। श्याम श्याम गाऊंगी सांवरी सूरत मन में बिठाऊंगी, लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी। थारो रहियो मदन गोपाल रे, थारो रहियो यशोदा के लाल रे, थारो रहियो ओ थारो रहियो, ओ थारो रहियो, ओ थारो रहियो रहियो रे थारो रहियो रहियो रे थारो रहियो रहियो रे थारो रहियो, यशोदा के लाल रे थारो रहियो, मदन गोपाल रे थारो रहियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और आज भगवान ने कहा कि मुझे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, पहले मुझे उस कार्य को पूर्ण करना है और तदुपरांत मैं आपके घर अवश्य ही पधारूंगा। अगर हम कितना भी श्रृंगार कर ले इस दुनिया को रिझाने के लिए, क्योंकि श्रृंगार से केवल दुनिया रीझ सकती है, जब तक मन का श्रृंगार नहीं करेंगे, जब तक मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमारे बिहारी जी तो रीझ ही नहीं सकते। और आगे भगवान और आगे बढ़े और आगे मेरे कन्हैया उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह धनुष रखा हुआ है। बहुत सारे पहरेदार हैं, बहुत बहुत संख्या में सैनिक हैं, लेकिन मेरे कन्हैया हास परिहास करते ही उस धनुष के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे कि अरे मामा, ओ मामा, मैं थोड़ा सा इस धनुष को छू कर देख लूं। अब जितने सैनिक तो जोर से चिल्लाए, अरे अरे इस धनुष को तुम नहीं छू के देख सकते। कन्हैया ने कहा बस देख ही तो रहा हूं, कुछ करूंगा थोड़ी ना। अब कोई दयावान सैनिक था, उसने कहा अच्छा ज्यादा देर मत देखना, बस देख थोड़ा ही देखना और फिर दूर हट जाना। कन्हैया बोले हाँ बस ऐसा ही करूंगा। और जैसे ही कन्हैया उस धनुष के नजदीक गए, भगवान ने उस धनुष को उठाया और जब तक वे सैनिक अपने पलकों को ऊपर से नीचे करते कि इतने में ही मेरे कन्हैया ने उस धनुष को कई टुकड़ों में परिवर्तित कर तेई छन श्याम मधि धनु तोड़ा, तेई छन श्याम मधि धनु तोड़ा, ईशन श्याम मधुगन 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 तोड़ा,
अब तो सारे सैनिक कन्हैया के पीछे बढ़ गए। अरे तुझसे कहा था कि धनुष को बस स्पर्श करना, तुमने तो धनुष को तोड़ दिया। अब तो मेरे कन्हैया आगे आगे अपने सारे ग्वाल वालों के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब तो ये सूचना कंस तक भी पहुंच गई। अब तो कंस डरने लगा, कांपने लगा, उसको लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। क्योंकि ये जो धनुष था वो भगवान शंकर ने कंस को प्रदान किया था, और भगवान शंकर ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। अब तो भगवान शंकर की कही हुई सारी बातें उसको याद आ गई। भगवान और आगे चलते जा रहे हैं, चलते चलते वही पहुंच गए जहां पर कंस ने बहुत ज्यादा इंतजाम करके रखे हैं। दरवाजे पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आया है, और वह कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी है वो हाथी उसके अंदर बहुत बल है। लेकिन भगवान ने थोड़ी क्रीड़ाएं उसके साथ भी की, और वो भी जानता था कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात रूप से जो अपने जन्म के 6 दिन से ही क्रीड़ा करते आ रहे हैं वो साधारण हो ही नहीं सकते। और इसीलिए उसने सोचा उस कंस के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं कन्हैया के हाथों ही मारा जाऊं। और भगवान थोड़ी क्रीड़ा करते रहे और फिर भगवान ने उस हाथी को वहीं पर मार दिया। अब तो कंस और ज्यादा डरने लगा, उसको भय और ज्यादा बैठ गया कि अब तो वो कुबलिया पीड़ हाथी जिसके अंदर इतना सामर्थ्य था वो भी मारा गया। तब तक जो चारुण और मुष्टिक थे बड़े बड़े पहलवान वहां पर बहुत बड़ी रंगमंच बनाई गई है, उसके ऊपर कंस विराजमान, और इधर मुष्टुक और चारुण बैठे हुए हैं कि अरे आएगा तो सही, और जैसे ही ये आएगा वैसे ही हम इसके साथ मल्ल युद्ध करेंगे और करते करते हम इसको समाप्त कर देंगे। अब भगवान से कहने लगे कि आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। तो भगवान कहने लगे अरे भैया हम तो बालक हैं, छोटे से बालक, और तुम इतने बड़े, हमारे अंदर इतनी ताकत काहे कि हम तुम्हारे संग मल्ल युद्ध करें। न बालो ना किशोरस्तम बलश्य बलिनाम वर, हम तो बालक हैं भैया, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन चारुण और मुष्टिक जानते थे कि ये साधारण नहीं है। अरे दिखाओ ना वो वाले हाथ जिनसे तुमने उस पूतना को मारा था, तुम कोई बालक नहीं हो, हम सब जानते हैं। और फिर वहां पर कृष्ण और बलराम का मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। वहां पर बड़ी संख्या में माताएं बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी संख्या में वहां पर संत महात्मा बैठे हैं। भगवान के जितने ब्रजवासी हैं वो सारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं, और आज सबको जो जिस भाव में भगवान को देख रहा है उसको उसी भाव में दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जाकी रही है भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन सिया राम सिया राम रे रे राम, ओ जाकी रही है भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन देखी सिया राम रे रे राम।
सियारा। दोनों हाथ खोलिए। ओ मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। कंस को तो साक्षात रूप से अपना काल नजर आ रहा है कि मेरा काल मेरे नजदीक आ रहा है। और जितनी वहां पर गोपियां बैठी हैं, देवांगनाएं बैठी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से वो उनके प्राण प्रीतम हैं। जितने बालक बैठे हैं उनको उनके सखा के दर्शन हो रहे हैं कि हमारा लाला कितने बढ़िया बढ़िया चारुड़ मुष्टुक जैसे बलवानों के साथ युद्ध कर रहा है। नंद बाबा को अपना छोटा सा बालक नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जैसा व्यक्ति चश्मा लगाता है उसको वैसा वैसा नजर आता है। काला लगाएगा तो काला, पीला लगाएगा तो पीला, नीला लगाएगा तो नीला। जैसा व्यक्ति होता है उसको ये संसार वैसा ही नजर आता है। और आज कंस समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। भगवान थोड़ी देर क्रीड़ा करते रहे और फिर चारुड़ और मुष्टक का मेरे कन्हैया ने, इधर बलराम जी और कन्हैया दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, करते करते थोड़ा समय व्यतीत हुआ और फिर भगवान ने दोनों का वहीं पर अंत कर दिया। अब तो कंस कांपने लगा, अब तो किससे कहे, कौन उसकी रक्षा करेगा। और फिर तो आज कन्हैया सीधे उस रंग मंच के ऊपर चढ़ गए। रंग मंच पर जैसे ही कन्हैया चढ़े ना, उस धमक से कंस का मुकुट नीचे गिर गया। अब तो कंस और ज्यादा डरने लगा। भगवान थोड़ी देर क्रीड़ा उसके साथ भी करते रहे। जब तक व्यक्ति अपना बल आजमाता है भगवान देखते हैं तेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, जरा इसे चेक तो कर लूं। और आज भगवान वो क्रीड़ा करते रहे और फिर भगवान ने कंस के केसों को पकड़ लिया। और जैसे ही कंस के केस पकड़े, कंस चिल्लाने लगा, अरे मेरे केस छोड़ दे, मेरे केस छोड़ दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन भगवान ने कहा आज तुझे पीड़ा हो रही है जब मेरी मैया देवकी तुझसे अनुनय कर रही थी, अपने प्राणों की भीख मांग रही थी, तब तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ नहीं। और भगवान ने उस कंस को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया और उठाने के बाद उस विशाल मंच से धड़ाम से नीचे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरलीधर मुरलीवाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान की गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद के लाला की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जोते बोल दो कंस मरे को जय जय श्री। जो कहूं कंस की पार्टी वाले बैठे हैं का
कन्हैया की पार्टी वाले हैं कि कंस की पार्टी वाले? कन्हैया की हैं तो फिर ऐसे धीरे धीरे काहे बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। अब तो कंस मरगो, अब तो काऊ को डरना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो, जय जय श्री। और हाँ, हाथ उठे आधे बार, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, दोनों हाथ लोग सीधे, सबके हाथ आने चाहिए कैमरे में, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्रीवृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली यमुना मैया की। और क्यों कंस मरने की प्रसन्नता हुए ना, मुझे भी है बहुत बढ़िया है। वो पापी मर गया, भजन ही नहीं करने देता था। जैसे ही भजन करने के लिए बैठते तो कहते मेरा ही नाम लो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। जय जय श्री। और बहुत बहुत धन्यवाद शहर आगरा की इलेक्ट्रॉनिक एम्प्रिंट मीडिया का, जो आपकी कथा को रोज कवरेज कर रहे हैं। रोजाना पूरा भरा हुआ आता है अखबार में, और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत मेहनत कर रहे हैं कर्मी, दोनों जोरदार तालियां मीडिया कर्मियों के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का, शीरा दे। और आगे मेरे कन्हैया पहुंचे, अपने नंद बाबा से भेंट हुई, और भेंट होने के बाद नंद बाबा ने कहा कन्हैया लौट कर चलो, लेकिन कन्हैया ने कहा कि नहीं अभी अभी बाबा मुझे बहुत काम करने, अभी मैं लौट कर नहीं जा सकता। और सीधे कन्हैया अपने माता पिता के पास पहुंच गए। जाकर अक्रूर जी जो कि जेल में पड़े हुए हैं उनको जाकर राजगद्दी पर पुनः बिठाया, और जितने ग्वाल वाल आए थे सबको समझाकर भेज दिया गया वृंदावन के लिए। कहा कि मैं जल्दी ही वृंदावन आऊंगा, अभी आप सब यहां से चले जाओ। कन्हैया ने सबको भेज तो दिया, लेकिन बार बार बाबा कह रहे थे लाला तू मैया से कहा कह के आए होए, और अब तू ना जाए रहो तो मालूम है मैया की का हालत है रही होगी। कन्हैया कह रहे बाबा मुँह पे और बहुत सारी जिम्मेदारी है, आप जाओ तो सही, मैया को जाके आप समझा देना, मैं जल्दी आता हूँ। और इधर सीधे कन्हैया पहुंच गए अपनी मैया देव की और श्री वसुदेव जी के पास। मैया देवकी ने जैसे ही लाला को देखा, मैया लाला को देखते ही भावुक हो गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कन्हैया को तब ही देखा था जब कन्हैया उनकी गोद में थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने उस छोटे से बालक को गोकुल के लिए भेजा। बोली श्रीवृंदावन बिहारी लाल की। वो कुछ तो ऐसा लगे कछु मात्र ने कुछ ज्यादा ही खुशी है गई है कंस के मरवे की। भैया कंस तो अब मर गए हो, अब आप कथा में ही आ जाओ। और इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में कन्हैया को कन्हैया की मैया ने शिक्षा लेने के लिए भेजा। कन्हैया शिक्षा लेने के लिए पधारे संदीपन गुरु के यहाँ, और वहां जाकर भगवान ने कुछ ही समय में सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया। और जब अपने गुरुजी को भेंट देने की बारी आई तो गुरुजी ने तो मना कर दिया, लेकिन गुरु माता कहने लगी कि मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बालक था, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे उस बालक को मुझे वापस कर दो,
कन्हैया से तो कुछ भी मांगा जाए मेरे कन्हैया तो बड़े भाव से प्रदान करते हैं। यमपुरी से लाकर उन्होंने अपने गुरु माँ के उस बालक को भी वापस कर दिया और वहां से भगवान एक पांचजन नामक शंख भी लेकर आए। भगवान ने कहा अब मैंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया है, अब मैं शंख बजाना आरंभ करूंगा। आगे जब सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके मेरे कन्हैया आ रहे थे तो वहां पर उनके एक परम सखा थे, उनकी उनसे भी वही भेंट हुई थी, श्री सुधामा जी महाराज। बचपन के सखा थे श्री सुदामा जी महाराज, उनकी भेंट गुरु जी के आश्रम पर ही हुई थी। आज भी उज्जैन में सांदीपन गुरु का आश्रम है जहां पर कन्हैया ने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। और आगे भगवान जैसे ही मथुरा आए हैं तो भगवान को मैया बड़ा उदास देखती है, क्योंकि जैसे ही भगवान को वृंदावन की याद आ जाती है, ब्रज की याद आ जाती है तो भाव विभोर हो जाते हैं। मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर लाती है लेकिन फिर भी कन्हैया उनको भाव से ग्रहण नहीं कर पाती। मैया देवकी बड़ी परेशान होती है, अनन्य भाव से बढ़िया बढ़िया अनन्याश्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव सांद्रात्मा बुदई प्रेमानिगद्यते। मैया ने भाव से भोजन बनाया और भाव से अपने लाला को अपने हाथ से खिला रही है। कन्हैया ने कहा मैया अभी भोजन करने का बिल्कुल मन नहीं है, आप इस भोजन को यही रख दो, जब मन होगा तब मैं ग्रहण कर लूंगा। मैया ने थोड़ी देर बाद देखा लेकिन कन्हैया ने भोजन ग्रहण नहीं किया। देव की मैया सोचने लगी कि देखो मैं इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि जब भगवान की आयु 13 वर्ष 56 दिन की हो गई थी तब जाकर पुनः मैया ने लाला को देखा था। अब तक तो यशोदा मैया ने ही लाला का लालन पालन किया था, कुछ नहीं जानती। तभी श्री उद्धव जी महाराज जो भगवान के परम मित्र हैं, श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं, श्री उद्धव जी महाराज को बुलाया। उद्धव से कहा हे उद्धव तू मेरी थोड़ी सहायता कर दे, देख ये कन्हैया कुछ ग्रहण नहीं करता, मैं कितना भी भाव से कितना भी प्रेम से कुछ भी बना लूं ये ग्रहण नहीं करता, इसको कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो ये मुझसे कहे। श्री उद्धव जी महाराज को आज मैया ने कन्हैया के पास भेजा। कन्हैया से जाकर उद्धव जी महाराज वार्तालाप करने लगे, कन्हैया देख तेरी मैया कितने चाव से कितने लाड़ से तेरे लिए भोजन बनाती है, तू ग्रहण क्यों नहीं करता। कन्हैया कहने लगे कि जैसे ही वो भोजन मेरे पास लेकर आती है ना तो मुझे मेरी मैया ये शोभा की याद आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं अपनी मैया यशोदा से कहकर आया था कि जल्दी आऊंगा और मैया यशोदा मेरी कैसी हो गई, आज मैं उसको सोच सोच कर ही मन से परेशान हो जाता हूँ और जब मैया आती है तो ऐसा लगता है यशोदा मैया आ रही है, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है, गोपियों की याद आती है। उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता
कर कलरभ और कदमन की छाही रिउधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता इह माही अग्निगित भांति करी मैंने लीला यशोदानंद निवाही उदो मोही ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी महाराज से कहने लगे मैं उस ब्रज को कितना विस्मराने का याद करता हूँ, वो ब्रज मुझे बार बार याद आता है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा। हे उद्धव तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाकर देख कर आओ कि क्या मेरे जो बाल सखा हैं, क्या गोपियां हैं, नंद बाबा मुझे इसी भाव से याद करते हैं जैसे मैं उनको याद करता हूँ, मैं उनको भुला नहीं पा रहा। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा अरे तू क्या बात करता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कन्हैया ने कहा तू एक बार चला जा। और आज भगवान ने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र श्री उद्धव जी महाराज को पहनाए, वही स्वरूप वही रथ आज श्री उद्धव जी महाराज को दिया। उद्धव जी महाराज जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कन्हैया ही आ रहे हैं, सारे ग्वाल बाल जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया कब आएगा हमको दर्शन देने के लिए, सब इंतजार कर रहे हैं। और आज जैसे ही उस रथ को आते हुए देखा ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से उनका सखा उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अब तो वहां पर कुछ छोटे छोटे बाल सखा थे, वो जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे हम ना इससे बात नहीं करेंगे, इसे कितना मना किया था हमको छोड़ कर मत जा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कुछ बालक छिप जाते हैं कि देखो हमारा कन्हैया हमको आकर खोजेगा कि नहीं खोजेगा, उसको हमारी याद है कि नहीं। और जैसे ही वह रथ नजदीक आया, नजदीक आकर देखा कि ये कन्हैया नहीं है, ये कन्हैया नहीं हो सकता, हमारा कन्हैया इतना निष्ठुर नहीं है। श्री उद्धव जी महाराज पूछने लगे अरे बालकों ग्वाल वालों तुमको मालूम है कि यशोदा मैया कहाँ रहती है। एक छोटा सा बालक जिसके नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है वह कहने लगा अरे मैया यशोदा के महल को बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, देखो ये जो रक्त की धार देखो ये अश्रु की जो धार आ रही है इस धार के अनुरूप ही आप चले जाओ और आपको अपने आप मैया यशोदा का महल मिल जाएगा। श्री उद्धव जी महाराज चलते गए चलते गए, चलते चलते जैसे ही महल के बाहर ही पहुंचे द्वारे पर जाकर जोर से चिल्लाने लगे अरे मैया यशोदा महल के अंदर है कि नहीं है। और जैसे ही मैया यशोदा ने स्वर को सुना मैया जोर से चिल्लाने लगी अरे कौन दुष्ट आ गया, कौन पापी आ गया, मालूम है कि अपने बालक को जैसे तैसे अभी सुलाया है। गिरते पटकते मैया महल के बाहर आई, उद्धव जी को जैसे ही दरवाजे पर देखा उद्धव जी महाराज ने जब महल में प्रवेश किया तो महल के प्रत्येक कोने से आवाजें आ रही हैं, ऐसा स्वर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कन्हैया पूरे
महल में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रत्येक कोने से कन्हैया का ही स्वर उनको सुनाई दे रहा है। चलते चलते मैया कह रही, अरे तुझे मालूम है मेरा लाला पालने में सो रहा है। पालने के पास जैसे ही पहुंची, वहां जाकर देखा कि पालने में तो कोई है नहीं। मैया जोर से रोने लगी, अरे इसी पालने में मेरा लाला सोया करता था। मैया प्रत्येक स्थान को दिखा रही है और दिखाते दिखाते मैया उस उखल को दिखाने लगी। अरे तुमको क्या बताऊं, एक दिन ना मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया था। श्री उद्धव जी महाराज जो कि बहुत ज्ञानी हैं, श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं, आए थे अपने ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। श्री उद्धव जी महाराज ने जब मैया के इस प्रकार के भाव को देखा, उद्धव जी महाराज के ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी यहीं पर खिसक गई। अब तो श्री उद्धव जी महाराज देखना चाहते थे कि जिन राधा रानी का नाम कन्हैया के मुख से एक बार निकल जाता है तो अश्रु की धार बन जाती है, वो राधा रानी कहाँ रहती है। राधा रानी से मिलने के लिए आज जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि वन में बहुत सारी गोपियां झुंड के झुंड बैठे हुए हैं और उन सब के मध्य में मेरी राधा रानी विराजमान है। उद्धव जी महाराज उन गोपियों की सारी बातों को छिपकर सुन रहे हैं। तभी वहां पर एक काला काला भौरा आया और उस भौरे को देखकर गोपियां कहने लगे, अरे भौरे हम जानते हैं तू कृष्ण का सखा है, तो यहाँ से चला जा। जब से वो कन्हैया गया है ना, तब से हमको कन्हैया के सारे सखाओं से बहुत ईर्ष्या हो गई है, अब तो भी यहाँ से चला जा। हमको मालूम है तू जरूर उसका कोई संदेशा लाया होगा, लेकिन हमको उसका कोई संदेशा सुनना ही नहीं। वो हमसे परसों की कह कर गया था और बरसों हो गए, वो अब तक आया नहीं। सारे दृश्य को उद्धव जी महाराज देख रहे थे। तभी एक गोपी कहने लगी, अरे राधा रानी मैं आज से क्या कहूँ, आज स्वप्न में वो कन्हैया आया था और स्वप्न में आने के बाद मुझसे कह रहा था कि अरे गोपी तू अब बदल गई है, पहले की तरह मुझे प्रेम नहीं करती, पहले की तरह मुझे स्नेह नहीं करती। मैंने कहा कन्हैया ऐसा नहीं है, मैं तो तुझे बहुत लाड़ करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, और तब तक मेरी ये बहरी आंखें खुल गई। और तब तक दूसरी गोपी बोल उठी कि हाँ मैंने भी आज स्वप्न देखा है और मैंने भी स्वप्न में देखा कि कन्हैया आज मेरे हाथ से माखन खा रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कि हे गोपी तू अब ना ताजी ताजी माखन नहीं बनाती, तू मेरे लिए ताजी ताजी माखन बनाया कर, और मैं ताजी माखन लेने के लिए रसोई घर में गई ही थी कि तब तक मेरे नेत्र खुल गए। एक गोपी राधा रानी से पूछने लगी, हे राधा रानी क्या कभी आपको स्वप्न में आकर वो कन्हैया का भी दर्शन नहीं देता, आपसे आकर कुछ कहता नहीं है। स्वप्ने पश्यति आकांतं धन्यास्ता सखियूषिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वै। राधा रानी कहने लगी कि अरे सखी मैं तुझे क्या बताऊं, जिस दिन से वो कन्हैया गया है ना उस दिन से
मेरे को कभी नींद ही नहीं आई, और जब मेरे नेत्र कभी 2 सेकंड के लिए बंद ही नहीं हुए तो मुझे स्वप्न कहाँ से आएंगे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। पे मधुबन में वो इंतजार करना, कई शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार तो करके तुम देखो, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। श्री उद्धव जी महाराज ने जैसे ही इन शब्दों को सुना, सुनते ही समझ गए कि ये गोपियाँ तो कन्हैया के प्रेम में बहुत बावरी हो गई हैं। एक गोपी ने जैसे ही देखा कि हमारी बातों को कोई छुप कर सुन रहा है, वैसे ही कहा कौन है, उद्धव जी उनके सामने आ गए और उद्धव जी उस गोपी से कहने लगा, हे गोपी तू क्या उस कन्हैया के लिए रुदन करती है। कन्हैया उन गोपियों को समझा रहे हैं, अरे वो तो निर्गुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ना हाथ होता है ना पैर होते हैं, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, उस अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। उस गोपी को इतना क्रोध आया, वो कहने लगी, अरे तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, तुझे मालूम है कि हम अपने कन्हैया से कितना प्रेम करते हैं। और उद्धव जी महाराज बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन उस गोपी ने कहा कि देखो उद्धव, तुमको ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम यहां से चले जाओ। श्री उद्धव जी महाराज फिर प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही उस गोपी ने कहा, हे उद्धव तुम क्या जानो कि मन की वेदना क्या होती है, मन का कष्ट क्या होता है। मूधा सुदा है गयो सुन गोपिन के वेन, ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो धो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे और वो तो रहते हैं जग से न्यारे, नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए,
वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूरों, बंदगी तेरे बच की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। दोनों हाथ खोलिए ताजिब साहब। यहाँ सर देखे, यहाँ सर देखे होते हैं सारे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है दूरों, ये तो प्रेम की सस्ती नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे और उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। इनकी नजरों में, इनकी नजरों में मोहन समाए, अरे वो नजर फिर तरसती नहीं ओ। ये तो प्रेम की बात है दूरों, बंदगी तेरे बच की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और इस प्रकार श्री उद्धव जी महाराज आए थे कि अभी जाता हूँ और गोपियों के जाकर समझा कर वापस आऊंगा। पूरे 7 माह का समय व्यतीत हो गया और 7 माह के बाद जब श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे तो कन्हैया से जाकर कहने लगे, हे कन्हैया, तू तो उतना प्रेम अपने ग्वाल वालों को करता भी नहीं है जितना प्रेम तेरे ग्वाल वाल तुझसे करते हैं। वो तो तेरे प्रेम में पागल हो गए हैं। और श्री उद्धव जी महाराज को भेजा भी इसलिए था क्योंकि ज्ञान तो बहुत था लेकिन प्रेम नहीं था। भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सरल साधन है वो है प्रेम। अगर हम भगवान से प्रेम तो बाद में होगा, पहले हमको प्रेम अपने घर से आरंभ करना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ सीधे सीधे हम सोचे भगवान से प्रेम हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये तो वैसी बात हो जाएगी कि पहली कक्षा को पढ़ाने और 5वीं में दाखिला हो गया। इसलिए प्रेम पहले अपने घर में करो, अपने बच्चों से करो। धीरे धीरे आपका प्रेम बढ़ेगा तो फिर आप उसको अपने रिश्तेदारों से करो। धीरे धीरे जब आपका प्रेम और बढ़े तो फिर इस समाज में आप प्रेम करना आरंभ कर दो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। मन ही मन सब वार्ता चलती रहती है और आगे इसी क्रम में मेरे भगवान अपनी एक और लीला को पूर्ण कर रहे हैं। कंस महाराज की 2 पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति। तो अस्थि और प्राप्ति कंस की, कंस कौन है? कंस है अभिमान। और इस अभिमानी कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि माने है, प्राप्ति माने और चाहिए। ये दोनों अपने पिता के पास गई और पिता से जाकर
शिकायत कर दी। इनके पिता का नाम है जरा सिंह, जिनके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना कि ऐसा कहा जाता है कि पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था। सबकी सेना मिलाकर 18 अक्षौहिणी बनी थी। इनके अकेले के पास 23 अक्षौहिणी सेना, इतना सामर्थ्य है इनके अंदर। और जरासिंह ने जैसे ही अपनी बेटियों के इस दुख को सुना, उसने सुनते ही मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण भी एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वह पराजित हुआ। अब तो 18वीं बार उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने यहां बुलाया और बुलाने के बाद उन ब्राह्मणों से कहा कि आप हमारे लिए अनुष्ठान कीजिए। अगर उस अनुष्ठान के द्वारा आपका अनुष्ठान सफल हुआ तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि अन्यत्र आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं और इस बार मेरी विजय ही होनी चाहिए। और विजय अगर नहीं हुई तो मैं जितने ब्राह्मण हैं उन सारे ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण डरने लगे, क्योंकि 17 बार जरासिंह हार चुका है और 18वीं बार चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। सारे ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर भगवान के लिए पत्र लिखा। वह पत्र भगवान के पास पहुंचा और भगवान ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मेरे तो आजकल बहुत सारे नाम पड़े हुए हैं। जो मुझे जिस भाव से बुला देता है, जैसे मुझे पुकारता है, मैं उसी भाव से अपने भक्त को दर्शन देने के लिए चला जाता हूँ। अगर कोई मुझे चोर कहे, माखन चोर कहे, चीर चोर कहे, कुछ भी कहे, मैं सबको बहुत प्रेम करता हूँ। और अगर मेरा एक और नाम पड़ जाएगा तो इसमें कोई बात नहीं है। और इसीलिए आज भगवान उस रण में आए, लेकिन जैसे ही जरासिंध आया, भगवान उस रण को छोड़कर भाग गए। और इसीलिए भगवान का यहाँ पर एक और नाम पड़ा, बोड़िये लड़ छोड़ राय भगवान की जय हो। सीधे विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया और सोते हुए जितने यदुवंशी थे, किसी को कुछ मालूम ही ना चला, सबको लेकर पहुंच गए द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे तो वहां जाकर जो बढ़िया, अब तो भगवान द्वारकाधीश बन गए, बढ़िया बढ़िया लीलाएं होने लगी। तो जो भगवान के बड़े भैया थे, जिनका नाम था बलराम जी महाराज, बलराम जी का विवाह रेवती मैया त्रेता युग की थी, लेकिन उनके विवाह के योग्य कोई वर नहीं मिला था। और इसीलिए द्वापर युग में जब श्री बलराम जी को उनके योग्य माना गया, तो बड़े भाव से रेवती मैया का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए रेवती बलराम की जय हो। और जब रेवती बलराम का विवाह हो गया तो अब कन्हैया विचार करने लगे, अब तो हमारा विवाह होना चाहिए, हम बड़े है गए हैं। कन्हैया सोच रहे हैं कि अगर भाभी के बहन होती ना तो कितना बढ़िया होता, हम भाई थे ब्याह कर लेते। और भाभी भी त्रेता युग से इंतजार कर रही है, तब द्वापर युग में उनको अपने योग्य वर प्राप्त हुआ है। लेकिन एक राजा है, बोली कृष्ण बलराम भगवान की। राजा सीद भीष्म को नामा, एक भीष्मक नाम के राजा के
तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्याई कच बरानना। उनके पांच पुत्र थे लेकिन पुत्री एक भी नहीं थी। तब भीष्मक राजा ने तपस्या की और तब जाकर एक समुद्र में से कमल के फूल के ऊपर एक सुंदर सी कन्या उनको प्राप्त हुई। और वैसे भी जब लक्ष्मी मैया प्रकट हुई थी तो समुद्र मंथन से, वही लक्ष्मी मैया जब जानकी बनी तो प्रकट हुई भूमि से, और वही जानकी मैया आज रुक्मिणी मैया बनी है तो प्रकट हुई है एक फूल से, क्योंकि लक्ष्मी मैया किसी के गर्भ में निवास नहीं करती। अब तो उस कन्या को लेकर आए बढ़िया सा, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, खूब भाव से कन्या को पढ़ाया लिखाया गया। और आगे जैसे ही कन्या विवाह के योग्य हुई तो मन में भाव आया कि कोई बढ़िया सा वर देखकर हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। तभी भीष्मक राजा के मन में भाव आया कि द्वारकाधीश से बढ़िया तो कोई हमारी कन्या के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन तब तक उनके जो रुक्मिणी के जो भाई थे रुक्मी, उनका मित्र था शिशुपाल। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जैसे ही ये बात रुक्मिणी मैया को मालूम चली, भीष्म जी को मालूम चली, तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो वस्तु जिसके योग्य होती है वो वस्तु उसी को मिलनी चाहिए। रुक्मिणी मैया विचार करने लगी कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारकाधीश के साथ, अन्यत्र में और किसी के साथ विवाह करूंगी नहीं। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने आकर वहां पर राजा भीष्मक को समझाया, रुक्मी को समझाया, हे रुक्मी देखो तुम जो बालक तुम देख रहे हो वो ठीक नहीं है। तो रुक्मी कहने लगा, अरे आप यहाँ उस द्वारकाधीश की तरफदारी करने के लिए आए हैं, हमको मालूम है वो भी हमारी बहन के योग्य वर नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे अरे वो नंद का छोरा जो माखन को चुराया करता है, जो स्त्रियों के चीर हरण किया करता है, अरे तुम उसकी बात कर रहे हो, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। देखेंगे भूप बराबर को वो तो आखिर नंद अहीर को छोरा, लूटे दही और माखन को खेचत लेत सखिन के जोड़ा। नारद जी महाराज से कहने लगे, झूठी बड़ाई करे महाराज कब न रहे जिनके रथ घोड़ा। और अंत में कहने लगे, नेक सतायो जरा संध ने रण छोड़ के भाग गयो वो भगोड़ा, रण छोड़ के भाग गयो वो भगोड़ा। नारद जी महाराज ने खूब समझाया लेकिन रुक्मी ने एक नहीं मानी। अब तो रुक्मिणी मैया अपनी भाभी से कहने लगी, है भाभी देखो मैं उस शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी मैया की भाभी ने कहा, देख आप एक काम करो, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अपने द्वारकाधीश के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में आप सारी बातें लिख डालो। मैया रुक्मिणी बड़े भाव से द्वारकाधीश के लिए एक पत्र लिख रही है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शर्वतां ते
निर्वेष्ट कर्ण विवरैर हतोंग तापम। इतना बढ़िया पत्र लिख रही है और कह रही है, प्रभु मैंने कभी आपको देखा नहीं है, आप कैसे दिखते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, केवल आपकी नवदा भक्ति को मैंने श्रवण कर रखा है और प्रभु उससे ही मुझे इतना प्रेम हो गया है, मेरा इतना भाव जुड़ गया है कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि बस मैं आपकी ही पत्नी बनूं, अन्यत्र मुझे और किसी की पत्नी नहीं बनना है। और बड़े भाव से आज भगवान के लिए सारी बातें उस पत्र में लिख दी गई, सारी बातें उसमें लिख दी गई। प्रभु हमारे यहाँ ये विधान है कि जब कन्या विवाह से पूर्व कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जाती है तो आप वहीं कात्यायनी मैया के मंदिर पे आना और मुझे वहीं से लेकर चले जाना। इतने भाव से सारी बातों को लिखा मैया ने, लिखने के बाद पुरोहित जी को सौंप दिया और पुरोहित जी उस पत्र को लेकर कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा हंसी आने लगी, कन्हैया सोचने लगे भला ऐसा कौन है जिसने हमको देखा नहीं और विवाह के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि आजकल तो विवाह से पहले ही पूरी बातें सब, शायद ही कोई विरला होगा जो विवाह से पूर्व अपनी धर्मपत्नी को देखने ना जाए, होने वाली बहू को देखने ना जाए, 10-10-20-20 मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन मैया रुक्मिणी ने देखना तो बहुत दूर, केवल श्रवण किया है और उस श्रवण से ही इतना प्रेम हो गया है, इतना भाव जुड़ गया है कि मैया रुक्मिणी ने कह दिया प्रभु आपको ही पति रूप में मुझे प्राप्त करना है। भगवान भी देर कहाँ लगाते हैं, पंडित जी का खूब आदर सत्कार करने के बाद रथ पर बिठा लिया और बिठाने के बाद कन्हैया चलने लगे और चलते चलते जैसे ही बलराम जी ने देखा, अरे लाला कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी, पंडित जी कहने लगे अरे आपको नहीं मालूम कुंदनपुर में क्या हो रहा है, कुंदनपुर में क्या हो रहा है, कथा में ही हो ना। बोली रुक्मिणी मैया की जय हो, कुंदनपुर में स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे ही पंडित जी के द्वारा सुना स्वयंवर हो रहा है और कन्हैया स्वयंवर में जा रहा है तो हो सकता है कहीं हमारी भी आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए कन्हैया तो चले गए और सीधे कन्हैया वहीं पहुंच गए कात्यायनी मैया के मंदिर पर, जहां पर असंख्य देवांगनाएं असंख्य स्त्रियों के साथ आज मेरी मैया रुक्मिणी आ रही है। इतना सुंदर श्रृंगार रुक्मिणी मैया ने किया है, इतनी सुंदर रुक्मिणी मैया लग रही है। सीधे रुक्मिणी मैया पहुंच गई मंदिर में और मंदिर में जाकर कात्यायनी मैया से प्रार्थना कर रही है, हे कात्यायनी मैया मेरे ऊपर कृपा कर दो, कन्हैया मुझे लेने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रार्थना कर ही रही थी कि उनको कात्यायनी मैया के अंदर आज हमारे बालकृष्ण लाल की वह सुंदर सी छवि नजर आने लगी। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारी। इतना बढ़िया बढ़िया सब, जितने सैनिक आए थे हजारों की संख्या में सैनिक आए थे, लेकिन कोई सैनिक तो भगवान की चरण पादुकाओं को देख रहा है, कोई सैनिक भगवान के पीताम्बर को देख रहा है, कोई सैनिक भगवान के मुकुट को देख रहा है और कोई कोई तो भगवान के नेत्रों को देख रहा है। भगवान के नेत्र कितने प्यारे हैं, और देखते ही देखते सारे सैनिक रह गए। मैया रुक्मिणी को कन्हैया जी वहाँ से लेकर चले गए और जैसे ही कन्हैया गए, अब तो एक सैनिक जो रुक्मी का ही सैनिक था जोर शोर से चिल्लाने लगा, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। और जैसे ही सबने जी सूचना सुनी कौन काई को ले गयो, क्योंकि सब ऐसे
मंत्रमुग्ध हो गए, देखते ही जा रहे उनके नेत्रों के सामने ही कन्हैया रुक्मिणी मैया को लेकर चले गए। जैसे ही ये सूचना रुक्मी के पास पहुंची, रुक्मी ने निर्णय कर लिया, मैं उस कन्हैया को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और आज वह युद्ध करने की इच्छा से चला आया। आगे आगे मेरे कन्हैया, पीछे पीछे रुक्मी। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा कि आजा, अब तेरा भी बल थोड़ा देख लिया जाए कि तेरे अंदर कितना बल है। और फिर वहां पर युद्ध होने लगा कन्हैया का और रुक्मी का। युद्ध चलता रहा, भगवान उस रुक्मी का अंत ही करने वाले थे, रुक्मिणी मैया आ गई, हमारा भाई है, देखो हम इसको राखी बांधते हैं और आप इसको क्षमा कर दो, ये तो नादान है, आप इसको माफ कर दो। और तब तक वहां पर बलराम जी भी आ गए और बड़े भाव से श्री बलराम जी ने, और जो रुक्मिणी जी के पिताजी थे राजा भीष्मक, वो भी वहां पहुंच गए। सबने रुक्मी को समझाया और समझाने के बाद सब रुक्मिणी को वापस लेकर आए और कन्हैया से कहा कि आप धूमधाम से बारात लेकर आओ, बड़ी धूमधाम से हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ संपन्न करेंगे और हम भी रुक्मिणी मैया के विवाह में चल रहे हैं। बड़े भाव से सभी रुक्मिणी मैया के विवाह का आनंद लेंगे। और आज कथा का षष्ठम दिवस है और कल कथा का अंतिम विश्राम दिवस है। तो ऐसा कहा जाता है कि विश्राम दिवस में जो आ जाए और कथा श्रवण कर ले तो उसको पूरी कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो रह गए हैं वो विश्राम दिवस में अवश्य ही आए। और हम सभी बड़े भाव से रुक्मिणी मंगल की ओर चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आइए दो कुर्सी ले आइए, आगे दो कुर्सी, दो कुर्सियों की जगह करवाओ, दूल्हा दुल्हन को बिठाओ। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा के मुझे अरे सब खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले का करेंगे बेचारे। बैठ जाओ जी, बैठो बैठो, आगे वाली माता सच में खड़ी होती है, आप जय कर दो, बस बैठे रहिए, जब आगे वाली माता खड़ी हो जाएंगे सब खड़े हो जाएंगे। आप बैठो जल्दी से, अरे वहां ठीक है, आप देख लो कहाँ, आप देख लो कहाँ ठीक है, आप अपना आसन लटा दो ना, अपना आसन लटा दो, वो जैसे बैठे थे आप। और आइए सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को लाओ, रुक्मिणी मैया कन्हैया को लाओ और वरमाला कराओ। और आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों को वरमाला दीजिए, दोनों को एक माला दो, माला दो। आइए अब एक दूसरे को पहनाएंगे जरा, जरा चक्कर पड़ेगा, पब्लिक भीतर बैठी है। आइए माला पहनाइए, पहले कौन पहनाएगा, अरे पहले कौन पहनाएगा, कन्हैया रुक्मिणी, अरे रुको रुको, लाल लाल है, बहुत बढ़िया, बस जल्दी भर रही है, जय श्री राधे। अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए बैठा दो ना, बैठाओ दोनों को, बैठाइए परीक्षित जी, परीक्षित जी बैठा दो ना को, तिवारी जी बैठा दो ना को। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, अरे उनको बोला के हथेले बातों करा दो। आइए अब परीक्षा जी और परीक्षा दानी जी दोनों आकर के कन्यादान करें, दोनों आकर के
जो ही पान फूल है उसे लेकर के गणना पंडित कराइए। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, और प्रीत को धागो कबहू नहीं टूटे, अरे आज मोतियों से मेरी मांगे भरा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे मेरे नाना के दुल्हन बना दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आइए अब पूरा कन्यादान का रस्म जो पूरी होगी, एक एक करके आए आराम से, जिनकी आदत जो वस्तु है नहीं है तो पान फूल जो भी है उसे ला करके कन्या का दूल्हा का तिलक करें और बैठे आराम से। ओ आज दूल्हा बन गयो और सा सांवरिया, आज दूल्हा बन गयो सांवरिया, आज दूल्हा बन गयो दूल्हा बन गयो दूल्हा बन गयो, अरे मुरली मनोहर ये तो रुको मैंने मंगना, ओ आज दूल्हा बन गयो, ओ आज दूल्हा बन गयो सांवरिया। मुरली मनोहर वो तो रुक्मिणी मंगना, आराम आराम से, और बल्ले दाऊ पवैया वो तो माखन चुड़ैया, ओ आज दूल्हा बन गयो, ओ आज दूल्हा बन गयो सावर।